हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर वन सीरीज। यूजीसी नेट पेपर वन सीरीज में हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम टोटल कितने 100 क्वेश्चंस देखेंगे, 100 पीवाईक्यूज। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक पैराडाइम्स इन क्लासरूम टीचिंग। बेसिक पैराडाइम क्या है क्लासरूम टीचिंग्स के? लर्निंग पैराडाइम हो सकता है, इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम हो सकता है, यह दोनों या फिर नन, दोनों में से कोई नहीं। तो जब हमने पैराडाइम्स पढ़ाए थे तो बताया था कि इम्पोर्टेंट क्या होता है टीचिंग के लिए। एक तो टीचर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं और जो फैसिलिटीज़ होती हैं इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ वो होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि टीचिंग के साथ साथ हमारी लर्निंग होनी चाहिए इफ़ेक्टिव, और उसके साथ साथ वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है तो वो भी कैसा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। अब ये इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम में क्या क्या हो सकते हैं? ऑडियो फैसिलिटीज़ हो सकती है, ऑडियो फैसिलिटीज़ या फिर वीडियो फैसिलिटीज़ या फिर ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज़, दोनों हो सकता है। तो ये हमने आपको बताया था जब हमने यूजीसी नेट पेपर वन सीरीज कराई थी। तो ऑडियो में क्या है, आपको यहाँ पर सुनना होता है चीज़ों को, रेडियो सेट्स या लैंग्वेज लैब वगैरह में आप चले जाइए, वहाँ पर जब सुनते हैं तो यहाँ पर आपका सुनने का लेवल कितना है, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ सुनने पर रहेगा, 50% होना चाहिए। वीडियो में क्या है, यहाँ पर आपको पोस्टर्स विजुअल, सॉरी यहाँ वीडियो नहीं, विजुअल्स में क्या है, यहाँ पर आप पोस्टर्स चार्ट्स मॉडल्स या मैप्स की हेल्प से चीज़ों को पढ़ते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विजुअलिटी आपकी, यहाँ पर सिर्फ आपको विजुअल करना होता है, चीज़ों को देखना होता है। ऑडियो विजुअल में क्या है, आपको देखना और सुनना दोनों होता है। यहाँ पर क्या है, 80% आपको देखना होता है और 7% आपको सुनना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीवी देखते हो तो आपका फोकस टीवी पर ही रहता है और सुनने पर भी रहता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स या कोई भी वीडियो क्लिप्स वगैरह हुई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, लर्निंग पैराडाइम के साथ साथ क्या है, इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम भी होंगे। तो बेसिक पैराडाइम क्या है क्लासरूम टीचिंग के, बोथ ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव, प्राइम रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है एक टीचर के लिए? ये कोई टीचर है, अब इसको क्या है, अच्छा टीचर बनना है। अच्छे टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं? जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, बिल्कुल हो सकता है। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा टीचिंग में तब तक क्या है, टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी, आप एक गुड टीचर नहीं बन सकते। नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स को कैसा कंट्रोल करना चाहिए, ये भी आपको क्या है, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। अब आप पढ़ा रहे हो और क्लास में क्या है, शोर शराबा ज़्यादा अच्छा खासा हो रहा है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, देन ये क्या है, गुड टीचर की क्वालिटीज़ नहीं है। सब्जेक्ट नॉलेज या बिल्कुल होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगी तो आपकी कमांड नहीं होगी। एंड गुड एक्सप्रेशंस, पढ़ाते हुए आपके एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, गुड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एक पूछा है, प्राइम रिक्वायरमेंट पूछा है, तो देखिए चार हो सकते हैं लेकिन इनमें से बेस्ट सुटेबल कौन सा हो सकता है चारों में से? तो इसका जो बेस्ट हो सकता है वो क्या होगा, सब्जेक्ट नॉलेज। अगर आपको सब्जेक्ट पर ही नॉलेज नहीं है, सपोज आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, अब आपको क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो आप गुड टीचर नहीं बन सकते हो। तो आपको क्या है, आपको सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए, देन इसके बाद आप लेक्चर डिलीवर या कुछ भी चीज़ डिलीवर कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा असत्य है, कौन सा इनमें से सही नहीं है? टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली, टीचर्स आर बोर्न या ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने क्या बताया था, टीचिंग क्या है, आर्ट्स एज वेल एज साइंस। तो ये क्या है, ये कला भी हो सकती है और एक साइंटिफिक मेथड भी, साइंस भी है। टीचिंग जब आप कराते हो तो ये केवल आपकी आर्ट्स नहीं है, यहाँ पर टीचिंग जो मैथ्स हो गया, सब्जेक्ट साइंस हो गया, यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल्स कराने होते हैं, तो टीचिंग भी क्या है, आर्ट्स के साथ साथ साइंस है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेकेंड वन है, टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली, क्या टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए,
ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी मैंडेटरी नहीं है कि टीचर्स को ट्रेंड ही होना चाहिए। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं विदाउट ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो ये भी क्या है आपका करेक्ट गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देन थर्ड वन इज टीचर्स आर बोर्न, एक कहावत सुनी होगी कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, तो टीचर्स क्या है जन्मजात ही क्या है टीचर्स नहीं होते हैं, उनको क्या है उनका जो एटमॉस्फेयर है जो एनवायरनमेंट है वो पढ़ते हैं, देन फिर उसका उनका इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन में जाने का, तो उससे वो क्या है गुड टीचर बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या है तीनों स्टेटमेंट्स क्या है गलत हो जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज टू, मोस्ट डिजायरेबल स्किल क्या हो सकती है टीचर की, मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, कवर द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, या कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स वाइल टीचिंग, या कीप हायर अथॉरिटीज इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्लास एक्टिविटीज। तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स को समझाना कि टीचर्स क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स को समझ आया कि टीचर्स ने क्या कराया क्या बोल रहे हैं, तो वो क्या है मोस्ट डिजायरेबल स्किल हो सकती है, या फिर कवर द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, तो कोर्स तो कराना ही होता है ये भी ठीक है, तो कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स वाइल टीचिंग, जब आप पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट्स क्या है रिलैक्स फील करें, एंड हाई और आप क्या है अपनी रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ को दें कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ में क्या क्या हुआ है। तो इसमें से मोस्ट डिजायरेबल मोस्ट पूछा है, तो यहाँ पर क्या है तो आपका कौन सा हो जाएगा फर्स्ट वन हो जाएगा, स्टूडेंट्स को जब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आपकी टीचिंग एंड लर्निंग क्या है इफेक्टिव नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, यहाँ पर आपको क्या है लिस्ट वन को मैच करना है लिस्ट टू से, लिस्ट वन में क्या लेवल ऑफ टीचिंग दिया हुआ है एंड लिस्ट टू में उनके प्रोपोनेंट मेन प्रोपोनेंट कौन कौन थे वो उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात की गई है, तो इसके मेन प्रोपोनेंट कौन थे ये हमने अच्छे से बताया था काफ़ी डिटेल में कराया था, तो वो कौन थे हर्बर्ट थे। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, रोट लर्निंग प्राइमरी होता है, ये सब आप क्या है जो लेक्चर था लेवल्स ऑफ टीचिंग का वो जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो लेवल ऑफ टीचिंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हर्बर्ट इसके मेन प्रोपोनेंट, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इसके मेन प्रोपोनेंट मॉरिसन, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के मेन प्रोपोनेंट कौन थे हंट थे। तो मैच कीजिए, इसमें कोड्स दिए गए हैं, तो वन ए का वन बी का टू सी का थ्री, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो तीन लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं वो कौन कौन से हैं अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कौन से मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, देन सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड थर्ड वन इज क्या है हमारा है थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये तीनों मेथड याद रखने हैं आपको, ये क्या है क्वेश्चन में इनका जो क्रम है वो भी पूछ लिया जाता है इनको। मेमोरी लेवल प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई जाती है जिसमें आप रोट लर्निंग पर जोर देते हो, और अंडरस्टैंडिंग लेवल ये फिर क्या है हायर स्टडीज़ में आके होती है, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल जब आप हायर कोर्स कर रहे हो लाइक पीएचडी वगैरह, यहाँ पर आपको टीचर की इतना ज़रूरत नहीं होती, आप अपने सेंस से अपने आप से ही चीज़ों को पढ़ते हैं। तो तीन लेवल हैं कौन कौन से, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, तो देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, हमने आपको कराया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल में स्टूडेंट्स आ जाएंगे क्योंकि वो डिपेंड होते हैं जब टीचर क्या है आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन होता है स्टूडेंट और इंडिपेंडेंट कौन होते हैं टीचर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टीचर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड बाय ईच टीचर, इनमें से कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए, एनालिटिकल सिंथेटिक, सिंथेटिक एनालिटिकल, ओनली एनालिटिकल, या
ओनली सिंथेटिक। अब आपको पहली बात तो मीनिंग ही समझ आने चाहिए कि एनालिसिस क्या होता है एंड सिंथेसिस क्या होता है। तो ये भी हमने चीज़ें कराई थी जब हमने क्या है आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कराए थे, वहाँ पर हमने क्या है डिटेल में ये चीज़ें आपको बताई थी। तो यहाँ पर क्या है आपको एनालिसिस और सिंथेसिस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एनालिसिस क्या होता है, जब कोई भी चीज़ें है यहाँ पर क्या है होल कॉन्सेप्ट है उसको क्या है आप डिवाइड कर दीजिए पार्ट्स वगैरह में, वो क्या है एनालिसिस है। और सिंथेसिस में क्या है छोटे छोटे टॉपिक्स को मर्ज करके एक क्या है होल कॉन्सेप्ट बना दीजिए। तो एनालिसिस क्या है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ कम्युनिकेशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स इन सच अ मैनर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज इज अंडरस्टूड बेटर। यहाँ पर क्या है आप चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइडेड करोगे, और सिंथेसिस में क्या है कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स टू मेक इट अ होल। यहाँ पर आप क्या है उसको तो टूटी हुई चीज़ों को एक क्या है एक कॉन्सेप्ट में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। तो ये क्या है, इट इज द एंटोनियम ऑफ एनालिसिस, ये एक दूसरे के एंटोनियम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एनालिटिकल एंड सिंथेटिक। ये क्या है मेथड, ओनली एनालिटिकल ये सुटेबल नहीं है, ओनली सिंथेटिक ये भी सुटेबल नहीं है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, टीचिंग मैक्सिम्स दिए हैं एंड मेन प्रोपोनेंट दिए हैं उनके। तो यहाँ पर क्या है फ्रॉम होल टू पार्ट, यहाँ पर होल से पार्ट की बातें हो रही है। तो कौन सी, ये जो आइडियोलॉजी थी वहाँ पर हमने बताया था। तो जब हमने बताया था होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, तो ये जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट में बताया था, जब जेस्टाल्ट हमने साइकोलॉजी पढ़ी थी उसमें क्या है बताया था कि ये हमारी बॉडी है और उसमें क्या है ये होल बॉडी किससे बनी है, ह्यूमन बॉडी यहाँ पर क्या है ऑर्गन से बनी है, ऑर्गन्स फिर क्या है ऑर्गेनल से बने हैं, देन क्या है टिशू हैं, टिशू के बाद क्या है सेल है हमारी, अब सेल क्या है सेल ऑर्गेनल से बनी है जिसमें लाइसोसोम राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये क्या है एक होल से पार्ट की तरफ जा रही है, बात किसकी हो रही है जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट की। सेल्फ स्टडी के बारे में डेल्टन ने बताया था, और ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस जिसमें क्या है सेंसरी एक्सपीरियंस को क्या है अल्टीमेट सोर्स बताया था कॉन्सेप्ट और नॉलेज के लिए, वो उसके मेन प्रोपोनेंट मोंटेसरी और फ्रोबेल थे। तो इन इसके क्या है कोड्स दिए हैं 1, 2, 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ टीचिंग, यहाँ पर क्या है नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में पूछा गया है। इट इज एन आर्ट, क्या टीचिंग का नेचर आर्ट्स है या फिर साइंस है या दोनों हो सकता है आर्ट्स एज वेल एज साइंस, एंड इट इज नाइदर आर्ट नॉर साइंस। तो जब हमने नेचर ऑफ टीचिंग कराया था वहाँ पर बोला था टीचिंग इज एन आर्ट्स एज वेल एज साइंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Which of the following orders are the three levels of teaching? यहाँ पर levels of teaching की बात की गई है कि तीन level होते हैं levels of teaching के, वो कौन कौन से होते हैं। जब हमने levels of teaching वाला lecture कराया था तो उसमें हमने बताया था memory level of teaching, understanding level of teaching and reflective level of teaching. Memory level of teaching क्या था, ये thoughtless टीचिंग था, और ये क्या है इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग भी बोला गया था जिसमें रोट लर्निंग पर जोर दिया जाता था। आप बचपन में स्कूल में गए होंगे तो वहाँ पर क्या होता है ए बी सी डी ये आपको रटाया जाता है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका कोई क्वेश्चन नहीं होता, यहाँ पर क्या है पूरा रोल कौन प्ले करते हैं, यहाँ पर पूरा रोल किसका टीचर का रोल होता है। तो इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है ये नाम याद रखना है, पूछे जाते हैं हार्वर्ड इसके मेन प्रोपोनेंट है। देन आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, आप प्राइमरी लेवल से जैसे जैसे ऊपर मूव करते जाओगे क्लासेस में हायर क्लासेस में तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आप क्वेश्चंस भी करोगे, क्वेश्चंस करोगे यहाँ पर समझने पर जोर दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाता है, आप क्वेश्चंस करोगे तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या हो जाती है स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाती है। और इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है, मॉरिसन है, ये नाम इम्पोर्टेंट है मॉरिसन। देन इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इसके मेन प्रोपोनेंट हंट हैं, और ये क्या है
मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग है। इसमें क्या है, ये पूरी तरह से स्टूडेंट सेंट्रिक है। आप हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट को ले लीजिए या फिर डॉक्टरेट के स्टूडेंट को, वो क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी ही करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, बस उनको गाइडेंस चाहिए होती है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। MLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, तो ये 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग हो जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो पैडागोगिकल लेवल ऑफ टीचिंग है, ये क्या है, मॉडल्स हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, पैडागोगी, एंड्रागोगी और हिएटागोगी। इसमें क्या है, जो पैडागोगी है इसमें ये बेसिक लेवल पर एक कन्वेंशनल अप्रोच है। और ये किसने दिया था, इसके जो टीचिंग के बारे में बताया, प्राइमरी रोल पैदा करता है टीचर यहाँ पर, फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। इसकी भी स्टेजेज है, ये हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा इसका वो अलग से डिस्कस करेंगे, पैडागोगिकल और एंड्रागोगी और ह्यूटोगोगी। तो ये क्या है, 3 मॉडल्स हैं किसके, टीचिंग के। तो ये हम अलग से आपको किसी क्वेश्चन में करा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउडेज टीचिंग इज बिकम मोर एंड मोर। आजकल टीचिंग कैसी होती जा रही है, लर्नर सेंटर्ड, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड, ग्रुप सेंटर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो टीचिंग धीरे 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 कैसा होती जा रही है, लर्नर सेंटर्ड। अब क्या है, आपको किसी भी स्टूडेंट को देखिए, अगर क्लास में चीज़ें समझ नहीं आती तो वो क्या है, ऑनलाइन यूट्यूब की तरफ मूव कर जाएंगे। वो क्या है, अपनी पेस के हिसाब से, जो उनकी पेस होती है उसके हिसाब से पढ़ते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से, जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट होता है वो सब प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। ये नहीं है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। तो आजकल कैसी हो गई है टीचिंग, लर्नर सेंटर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड। जब लर्नर क्या है, अपने आप से खुद से सेल्फ डायरेक्शन लेता है, तो उस टर्म को क्या बोला जाता है। देखिए अभी हमने 11th क्वेश्चंस में आपको बताया था पैडागोजी, एंड्रागोजी और हिएटागोजी। तो उनमें क्या है, पैडागोजी बताया, कन्वेंशनल अप्रोच है, स्टार्टिंग में ये पढ़ाया जाता है। और जो ये एंड्रागोजी होती है, इसमें क्या है, लर्नर मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड होता है। सेल्फ डायरेक्टेड, इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट नॉट ओनली रिसीव नॉलेज, इसमें सिर्फ नॉलेज ही रिसीव नहीं करता, उसके साथ साथ क्या करता है, वो चीज़ों को डिस्कवर भी करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड होता है, वो कौन सी अप्रोच होती है, एंड्रागोजिकल लर्निंग होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन फॉर द स्टूडेंट एंड दे स्टेट व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू, दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात की गई है, जो किसके लिए हैं, स्टूडेंट के लिए हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ एक्सपेक्ट क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव कौन से होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए या सभी। तो कोई भी चीज़ें हों तो ये क्या है, जैसे हमने रिसर्च करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च भी पढ़ाया था, उसमें भी बताया था ऑब्जेक्टिविटी और जनरेबिलिटी, ये सब चीज़ें देखने को मिली थी, मेजरेबल होना चाहिए। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स कैसा होना चाहिए, यहाँ पर स्पेसिफिक, ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल सभी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट की बात की गई है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, देख लेते हैं वन बाय वन। टीचर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो पहला तो हमारा ये गलत हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पर बोला गया टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्टूडेंट इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट सही हो जाती है। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये भी गलत हो जाती है, हमने इंटरवेनिंग वेरिएबल अलग से बताए थे, और नॉन ऑफ द अबव, ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाता है, टीचर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, टीचर पर ही स्टूडेंट डिपेंड करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल्स क्लासरूम एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड टू सफिशियंट ओपन एंड इंडिपेंडेंट। यहाँ पर क्या है, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ओपन और इंडिपेंडेंट। किसकी बात की गई है, मेमोरी लेवल की, अंडरस्टैंडिंग लेवल की, रिफ्लेक्टिव लेवल की, या ऑल ऑफ द अबव। मेमोरी लेवल में हमने बताया था प्राइमरी लेवल पर होती है, रोट लर्निंग होती है, टीचर सेंटर्ड होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल देन उससे हायर स्टडीज़ में जाते हैं, थोड़ा या समझने पर जोर दिया जाता है चीज़ों को, फिर क्वेश्चन पुटअप करते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ये हायर लेवल होता है, इसमें चीज़ों को खुद अंडरस्टैंड करना पड़ता है जो लर्नर होता है। और तो इसमें क्या है, जो ओपन और इंडिपेंडेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए वो किस में, रिफ्लेक्टिव लेवल में होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन्ट बाय टर्म करिकुलम। यहाँ पर करिकुलम का मीनिंग पूछा गया है, तो इसका मीन्स क्या होता है। द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टडी कराता है किसी सब्जेक्ट की, वो होता है करिकुलम। या फिर ऑर्गेनाइज होल ऑफ लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू रियलाइज सेट गोल्स। एंड थर्ड वन इज द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस इन वेरियस सब्जेक्ट प्लस प्रैक्टिकल कोर्सेज एंड प्रोजेक्ट डिसर्टेशन वगैरह के बारे में बोला गया है। एंड फोर्थ वन इज थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज टू बी कम्प्लीटेड टू क्वालिफाई फॉर अ लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, जो स्कूल लेवल पर होती है। इसमें क्या है, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज लाइक आप कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, या फिर आप ड्राइंग, पेंटिंग, या फिर आर्ट एंड कल्चर, मतलब ये इसमें आ जाती है, ये एक्स्ट्रा करिकुलम में। तो इसका इसमें बेस्ट सुटेबल मींस कौन सा आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये इसका मींस तो कोई हो नहीं जाता, ये तो क्या है, स्टडी पर्पज से ही है। देन इसमें क्या है, प्रैक्टिकल कोर्सेज या डिजर्टेशन ये भी प्रोवाइड नहीं करते, एक्स्ट्रा करिकुलर कराते हैं। तो ऑर्गेनाइज होल ऑफ लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंस, यहाँ अदर एक्सपीरियंस की बात की गई है ना, यही एक्स्ट्रा करिकुलर है। प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज सेट गोल्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको स्कूल में क्या है, प्लेइंग कराते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, या फिर आप क्या है, जूडो, कराटे, कुछ भी सीखते हो, ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वॉज प्रेजेंटेड बाय। यहाँ पर क्या है, कॉग्निटिव डोमेन की बात की गई है। हमने आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कराए थे, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हमने आपको दो मेथड बताए थे, एक तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और एक गागने एंड ब्रिक्स का बताया था। तो उसमें क्या है, तीन क्लासिफिकेशन किया था, और तीन में क्या है, पहला कॉग्निटिव डोमेन की बात की गई थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव में देन फिर हमने किसकी बात की थी, छः सब पार्ट की, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस एंड इवेलुएशन। तो कॉग्निटिव डोमेन प्रेजेंट किसने किया था, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यही पूछा गया है। तो किसने किया, बेंजामिन ब्लूम ने। और सेकंड जो ऑब्जेक्टिव दिया था वो किसने दिया था, गागने एंड ब्रिग्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बेंजामिन ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक यूज ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज। देखिए, आप कोई नई चीजें सीख रहे हो, न्यू नॉलेज लेना चाहते हो, लेकिन प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई करके, आपके पास क्या है, प्रीवियस नॉलेज है या प्रीवियस मटेरियल है, कोई कंटेंट है, उसको क्या है, आप यूज करना चाहते हो। अब उसको यूज करके न्यू नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो आप क्या है, चीज़ों को अप्लाई करते हो, अप्लाई करोगे ना, तो इसी को क्या है, एप्लीकेशन बोला जाता है, चीज़ों को अप्लाई करना। आपके पास क्या है, कोई फॉर्मूला है, ठीक है, और आप उसको क्या है, अप्लाई करना चाहते हो कोई न्यू डिस्कवरी के लिए, तो यही एप्लीकेशन हो जाती है। आपके पास कोई थियोरेटिकल नॉलेज है या आपके पास कुछ कंटेंट है, तो उसको कैसा यूज करना है, इसी को क्या है, एप्लीकेशन बोला जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ
कॉग्निटिव डोमेन इज, तो कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल क्या है, सिंथेसिस, एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन या फिर इवेलुएशन। देखिए कॉग्निटिव डोमेन की बात पहले आपको एक पूरा क्रोनोलॉजी बता देते हैं। हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पढ़ाए थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हमने क्या है दो पढ़ाए, पहला किसका हमने ब्लूम का पढ़ाया एंड गागने एंड ब्रिग्स का पढ़ाया, गागने एंड ब्रिग्स। तो ब्लूम्स में हमने क्या है फिर तीन क्लासिफिकेशन किए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव में हमने क्या है फिर छह पार्ट में कराया था। अब वो छह पार्ट कौन कौन से हैं, नंबर वन क्या था हमारा नॉलेज, नॉलेज को गेन करते हैं, देन इसके बाद फिर क्या करते हैं कॉम्प्रिहेंड करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको ये लेक्चर डिटेल में देखना है तो आप सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। देन थर्ड वन क्या है एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, एनालाइज करने के बाद फिर आप क्या करोगे उसको सिंथेसिस करोगे, सिंथेसिस ये हमने बताया था एनालिसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, और देन फाइनल क्या होता है हाईएस्ट लेवल इवेलुएशन होता है। तो इसी में इसी से क्वेश्चन पूछा है, हाईएस्ट लेवल क्या होता है कॉग्निटिव डोमेन का, इवेलुएट करना चीजों को, इवेलुएशन। तो इसका इवेलुएशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, यहाँ पर क्या है लिस्ट वन दी हुई है और इधर लिस्ट टू, यहाँ पर क्या है बात की गई है करेक्टरिस्टिक्स की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और इधर फिलोसफी की बात की गई है कि ये कौन सा सिद्धांत है, कौन सी फिलोसफी है। हमने जब आपको स्टार्ट किया था टीचिंग एप्टीट्यूड वहाँ पर आपको एजुकेशन बताया था और एजुकेशन से रिलेटेड मेजर अप्रोचेस बताई थी। मेजर अप्रोच इसमें क्या था, नेचुरलिज्म बताया हमने, आइडियलिज्म, रियलिज्म, कॉन्स्ट्रक्टरिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सब आपको हमने डिटेल में बताया था कि ये क्या चीज़ें होती हैं अप्रोचेस। तो यहाँ पर क्या है करेक्टरिस्टिक्स, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, ये लर्निंग बाय डूइंग किस में बोला था हमने, लर्निंग बाय डूइंग देखिए जब हम पढ़ा रहे थे कौन सा आपको हमने पढ़ाया था आपको आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में किसकी बात की गई थी यूनिवर्सल माइंड की, कि यहाँ पर एक यूनिवर्सल माइंड होता है मतलब गॉड होते हैं यूनिवर्सल गॉड और वही सब चीज़ों को क्या है रेगुलेट करते हैं यूनिवर्सल गॉड, सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड होता है। और इसके मेन प्रोपोनेंट कौन थे, फ्रोबेल, कांट, प्लेटो, ये सब किस में थे, ये कांट, फ्रोबेल, प्लूटो, ये सब किस में थे, ये थे हमारे सब आइडियलिज्म में। तो ये बात थी आइडियलिज्म की। देन इसके बाद कॉन्सेप्ट आया किसका, नेचुरलिज्म का। नेचुरलिज्म में बोला गया इसके जस्ट अपोजिट, आइडियलिज्म के जस्ट अपोजिट क्या था, नेचुरलिज्म था। इसमें क्या है नेचर की बात की गई थी कि यहाँ पर यूनिवर्सल गॉड पर डिपेंड ना होकर जो हमारी नॉलेज है किस पर डिपेंड करती है, नेचर पर करती है, नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। इसके प्रोपोनेंट कौन थे, टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, रूसो थे, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर थे, ये सब किसके थे नेचुरलिज्म के। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म। एक क्विक वे में और बता देते हैं, आइडियलिज्म में बेसिकली क्या है एक यूनिवर्सल माइंड होते हैं, यूनिवर्सल गॉड होते हैं जिसमें क्या है सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड होता है। और नेचुरलिज्म में बोला है कि नेचर पर डिपेंड होता है, जस्ट इसके अपोजिट है। इसके जो प्रोपोनेंट है वो इमैनुअल कांट, फ्रोबेल, प्लूटो, और इसके कौन कौन हैं, टैगोर, रूसो, स्पेंसर। तो आई होप आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म क्लियर हुआ होगा। देन हमारा क्या है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में बोला है कि जो हमारा वर्ल्ड है वो किससे भरा हुआ है, फैक्ट से। मीन्स यहाँ पर बोला गया फोकस किया गया है एक्टिविटी और डूइंग पर। जैसे आप बोलते हो कर्मा में बिलीव करते हो, एक्टिविटी और डूइंग, कि अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा। तो यहाँ पर कर्मा की बात की जाती है, कर्म की बात की जाती है किसमें, प्रैग्मेटिज्म में। देन हमारा क्या है रियलिज्म। यहाँ पर क्या है वास्तविकता की बातें की जाती हैं रियलिज्म में। अब तो आप इजीली मैच कर सकते हो। तो लर्निंग बाय डूइंग की बात किसमें हो रही है, प्रैग्मेटिज्म में।
कर्मा की बात किस में हो रही है, प्रैग में, टीज में, तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड किस में, इन दो में है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। देन एजुकेशन थ्रू एनवायरमेंट, यहाँ पर क्या है, एनवायरमेंट की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है, ये हमने अभी आपको बताया है। तो बी का क्या हो जाएगा, नेचुरलिज्म हो जाएगा। बी का वन किस में है, तो बी का वन बी में है, तो ये क्या है, कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या है, बी। तो ये है आपका एलिमिनेशन मेथड, आपने दो ऑप्शन से ही क्या है इसका आंसर बता दिया है। लेकिन हम और भी देख लेते हैं, देख, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस, ये किसकी बात हो रही है, आइडियलिज्म की। और लास्ट वन है हमारा क्या, वर्ल्ड एज इट इज हेयर एंड नाउ, ये बात हो रही है रियलिज्म की, वास्तविकता की। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, जो हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं उनको कौन रिफ्लेक्ट करता है। तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कराए थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में क्या है, आपको दो तरह के बताए थे, एक किसने दिया, ब्लूम ने, और एक गागने एंड ब्रिक्स ने। जो ब्लूम ने दिए थे उसमें भी तीन, कोग्नेटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर, कोग्नेटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये हमने जो कल का लेक्चर बताया था उसमें आपको बताया है। और हम आप हमारी जो यूजीसी नेट पेपर वन की सीरीज है उसमें भी जाकर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो इंटेलेक्चुअल स्किल किस पर डिपेंड करती हैं, जो इंटेलेक्चुअल स्किल बोलो या फिर आप इसको मेंटल स्किल बोलो, तो ये किस में आती हैं, ये आती हैं कोग्नेटिव डोमेन में। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटीट्यूड्स वैल्यू एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय, जो आपके एटीट्यूड्स हैं और या वैल्यूज़ हैं या फिर आपके इंटरेस्ट हैं वो किस में आते हैं। देखिए कोग्नेटिव में क्या है, मेंटल स्किल आती है, या आप इसको इंटेलेक्चुअल स्किल भी बोल सकते हो, मीन्स बौद्धिक विकास। लेकिन जो आपके एटीट्यूड, वैल्यू, इमोशन, फीलिंग, लव, सिंपैथी, टॉलरेंस, जो भी जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सब किस में आ जाती हैं, अफेक्टिव डोमेन में आ जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अफेक्टिव डोमेन। तो आई होप कोग्नेटिव और अफेक्टिव क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने साइकोमोटर का लगाया, जिससे कि आपको क्या है कि ये जो ब्लूम्स का क्लासिफिकेशन है ये क्लियर इजीली हो जाए, तो आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डोमेन इज कंसर्न्ड विद फिजिकल एंड मोटर स्किल, यहाँ पर फिजिकल फीचर की बात की गई है, मोटर स्किल की, मूवमेंट की बातें की गई हैं। तो ये किस में आता है, कोग्नेटिव में आता है, अफेक्टिव में आता है, या फिर साइकोमोटर डोमेन में आता है। तो अभी हमने बताया, जहाँ मूवमेंट की, फिजिकल स्किल की बात हो, फिजिकल स्किल्स, या फिर आप इसको मोटर स्किल्स भी बोल सकते हो, तो ये किस में आएगा, ये साइकोमोटर डोमेन में आएगा। क्लियर, तो ये अभी तक हमने चार क्वेश्चन डिस्कस किए, किससे रिलेटेड थे। पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो किससे रिलेटेड था, अप्रोचेस रिलेटेड टू एजुकेशन, या अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड था। देन हमने तीन क्वेश्चन देखे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग से, यहाँ पर क्या है, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके क्लासिफिकेशन, कोग्नेटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के हमने तीन क्वेश्चन देखे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कोग्नेटिव डोमेन, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कोग्नेटिव डोमेन का। डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टॉपिक, डेवलप अ फोटोग्राफिक फिल्म, टाइपिंग एंड एसे, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस। तो यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा कोग्नेटिव डोमेन का, तो इसमें से क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म आएगा, नहीं आएगा कोग्नेटिव में। किसकी बात होती है इसमें, मेंटल स्किल की या इंटेलेक्चुअल स्किल की, तो इसमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है देख लेते। टाइपिंग एंड एसे, ये भी नहीं आता, एसे टाइप करने है, क्या है आपका, फिजिकल एक्टिविटी है, ये किस में आएगा, साइकोमोटर स्किल में। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस, यहाँ मेंटेनेंस की बात हो रही है, ये भी नहीं आएगा। तो कोग्नेटिव में क्या है, आप डिस्क्राइब करोगे किसी स्पेसिफिक टॉपिक को, यहाँ पर मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग,
तो यहाँ एग्जांपल पूछा है किसका, साइकोमोटर डोमेन का, देख लेते हैं ये भी। डिमोन्स्ट्रेट अवेयरनेस टू एनवायरनमेंट पोल्यूशन, यहाँ अवेयरनेस डिमोन्स्ट्रेट करना किससे रिलेटेड, एनवायरनमेंट पोल्यूशन से, जो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है उसके, उससे अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना। देन सेकेंड है परफॉर्मिंग एंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड वन है कंप्यूटिंग रिजल्ट्स ऑफ टू एक्सपेरिमेंट्स, देन फोर्थ डी वन है नैरेटिंग अ स्टोरी। इसमें बेस्ट कौन सा होगा, साइकोमोटर में कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, परफॉर्मिंग एंड एक्सपेरिमेंट इज द एग्जांपल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन आपको क्लियर था, जिसमें क्या है फिजिकल एक्टिविटीज़ की बातें होती हैं या फिर मोटर स्किल की बातें होती हैं जिसमें मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कौन सा इनमें से असत्य है, गलत है। पहला है हमारा टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस आर द सेम कॉन्सेप्ट, क्या टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस सेम होते हैं, अभी देख लेते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग में डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है, तो ये तो ठीक है क्योंकि टीचिंग में आप डिलीवर करते हो चीज़ों को और लर्निंग में आप चीज़ों को सीखते हो। देन सी है एजुकेशन इज़ अ वाइडर टर्म देन टीचिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, बिल्कुल एजुकेशन क्या है, होल है एक तरह से, मींस जो सभी चीज़ें हैं ये टीचिंग ट्रेनिंग रिसर्च ये सब किस में आ जाती है, एजुकेशन में ही आ जाती है, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, अब ये देख लेते हैं, फर्स्ट पे डिपेंड करता है कि हमारा ए होगा या डी होगा। देखिए टीचिंग क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, या टीचिंग इंस्ट्रक्शंस जो है ये किसके अंडर में आता है, टीचिंग के अंडर में ही, टीचिंग का ही पार्ट है, इंस्ट्रक्शन इज वन एलिमेंट ऑफ टीचिंग। आप टीचिंग में क्या है चीज़ों को क्या है एक्सप्लेन करते हो, यहाँ पर चीज़ों को आप एक्सप्लेन किया कि कोई थियोरेटिकल चीज़ें हैं उसको आप बता रहे हो कि ऐसे होता है। सपोज कीजिए केमिस्ट्री है और आपको कोई चैप्टर पढ़ाना हो एसिड बेस एंड सोल्ट का, एसिड बेस एंड सोल्ट का आपने क्या है चैप्टर पढ़ा रहे हो, वहाँ पर जो थियोरेटिकल नॉलेज है या फिर आपको थियोरेटिकल चीज़ों को एक्सप्लेन करना है वो किस में आ जाएगा, टीचिंग में। लेकिन अगर आप क्या है प्रैक्टिस कराओगे, यहाँ पर क्या है लैब में ले जाओगे, लैब में ले जा कर क्या है आप इंस्ट्रूमेंट्स दे दोगे उनको स्टूडेंट्स को, अब वो इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से क्या है प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। तो जिसमें आप टूल्स की हेल्प से, यहाँ पर सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और यहाँ पर क्या है आप चीज़ों को बता रहे हो, तो टीचिंग क्या है एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज डन, लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या है टेलिंग हाउ समथिंग इज डन, इसमें एक्सप्लेन करते हैं इसमें सिर्फ चीज़ों को बताते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर सिर्फ बता देते हैं, टूल्स दे देते हैं और आप खुद कीजिए, सिर्फ आपको संकेत दे दिए, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, लेकिन यहाँ टीचिंग में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर सेम कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ, टीचिंग किस पर बेस्ड होती है, कौन से नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, बिल्कुल होती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी तो आपको नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। टीचिंग स्किल्स बिल्कुल होनी चाहिए, अगर आपको पढ़ाने का तरीका ही नहीं आता तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। देन डिसीजन मेकिंग स्किल, बिल्कुल ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, आपको कैसे डिसीजन बनाने हैं, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है टीचिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, टीचिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब क्या है मास्टर बनाते हैं टीचिंग में किसी भी इंसान को। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टीचिंग मैक्सिम्स, इनमें से क्या है टीचिंग मैक्सिम्स की बात पूछी गई है। हमने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कराए थे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में हमने क्या है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कराया था, फ्रॉम नॉन टू अननॉन, फ्रॉम सीन टू अनसीन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, होल टू पार्ट, जिसमें हमने बताया था कि कोई एक पेड़ है उसकी ब्रांचेज हैं फिर पत्तियाँ हैं, देन इनडेफिनिट से डेफिनिट की बात की, एनालिसिस से सिंथेसिस की बात की, तो ये सब हमने किसमें मैक्सिम्स में पढ़े थे। तो साइकिल
लॉजिकल से लॉजिकल की बातें की थी, बिल्कुल की थी हमने, एनालिसिस से सिंथेसिस की ये भी की थी, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट ये भी की थी, फॉलो नेचर ये सब हमने पढ़े थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको मैक्सिम्स पढ़ने हैं तो आप हमारा लेक्चर जाके देख सकते हो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का। आज का लास्ट क्वेश्चन है एनालिसिस मीन्स, एनालिसिस का मीन्स क्या होता है। एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, या फिर टू कंबाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, बोथ एंड बी, या नन ऑफ द अबव। देखिए कंबाइन जो करते हैं वो किस में करते हैं, सिंथेसिस में करते हैं। अगर कोई एक छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको क्या है आप एक बड़ा टॉपिक बना दो, होल बना दो, तो ये क्या हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है। लेकिन एनालिसिस में आप क्या है किसी बड़े टॉपिक को क्या है स्प्लिट करोगे छोटे छोटे टॉपिक्स में, सब पार्ट्स में। जैसे सपोज करो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें क्या है आप इसको स्प्लिट करोगे जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, या आर्किटेक्चर कैसा था, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, और रिलीजन कैसा था, और उनकी स्क्रिप्ट कैसी थी, और यहाँ पर क्या है कोई ने इस यहाँ पर क्या लोग एग्रीकल्चर कैसे करते थे। तो ये एक होल है और यहाँ पर सब पार्ट्स में ये क्या है डिवाइड कर दिया आपने, तो ये क्या हो जाता है, इसी को एनालिसिस बोलते हैं, एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। क्लियर, ये एनालिसिस था। और सिंथेसिस में अगर इन सब टॉपिक को एक ही बना दो तो ये क्या है, सिंथेसिस इसका अपोजिट हो जाता है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम इजी और कोल्ड। जो रूल्स हैं उनको उनके कंटेंट को प्रेजेंट करते हुए उनको इजी बनाया जाए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, या फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज। हमने आपको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ाया था, उसमें क्या बोला था मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग मैक्सिम्स होती हैं। एक तरह से क्या है ग्राउंड रूल है या फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो टाइम के साथ इवोल्व करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो एजुकेशन के भी अपने क्या है मैक्सिम्स, टीचिंग के अपने भी मैक्सिम्स हैं, जैसे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, या फिर नॉन से अननॉन, या फिर सीन टू अनसीन, या फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, होल टू पार्ट, मतलब एक्स वाई जेड, ये कितने हैं टोटल हमने 12 पढ़ाए थे। लास्ट क्या था एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। तो अगर आपको ये मैक्सिम्स पढ़ने हैं तो आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं यूजीसी नेट पेपर वन सीरीज के उसमें जाकर देख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद स्मॉलर क्लासेस टीचर्स आर मच मोर एबल टू, अगर कोई क्लासरूम छोटा है, एक क्लासरूम है 90 स्टूडेंट्स का, यहाँ पर क्या 90 स्टूडेंट्स है और एक 20 स्टूडेंट्स है, यहाँ एक टीचर है यहाँ भी एक टीचर है, अब बताइए किस में फोकस ज़्यादा हो पाएगा। ऑफ कोर्स 20 स्टूडेंट्स वाली क्लास में ज़्यादा फोकस हो पाएगा एवरी स्टूडेंट्स पर। 90 में क्या है कि कोई स्टूडेंट्स पर फोकस नहीं हुआ, कोई कहाँ बैठा है। तो जो स्मॉलर क्लासेस होती है टीचर्स आर मोर एबल टू आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम्स, यस। तो यहाँ जो भी लर्निंग प्रॉब्लम्स होंगे उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन, बिल्कुल इंडिविजुअल पर क्या है अटेंशन दिया जाएगा। अडेप्ट इंस्ट्रक्शंस टू इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है इंस्ट्रक्शंस को अडेप्ट करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो भी हैं स्टूडेंट्स के बीच में उनके लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग करियर इज। देखिए कोई एक न्यू अपॉइंटेड टीचर है और वो क्या है पढ़ाना चाहता है, तो उसको क्या चीज़ें अडेप्ट करनी चाहिए। तो द सिंगल मोस्ट इसमें पूछा गया है इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है बिगिनिंग ऑफ टीचिंग करियर के, मोरिटोरियस एकेडमिक रिकॉर्ड, कि उसका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना हाई होना चाहिए,
ये कम्युनिकेशन स्किल, क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट्स, कि उसकी जो पर्सनैलिटी है, एबिलिटी है क्लास से और स्टूडेंट से रिलेट करने की वो, या फिर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, इनमें से क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सिंपल शब्दों में बिगनिंग बोला है, बिगनिंग की बात की है टीचिंग करियर की, तो इसमें देखिए रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन ये मोस्ट पूछा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये वर्ड्स याद रख लीजिए, मोस्ट, मोर और बेटर, गुड, ये जो जितने भी वर्ड्स हैं तो ये आपको ध्यान रखने चाहिए। यहाँ पर एक ही पूछा है, तो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड हाँ हो सकता है अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ कोर्स अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ये भी होना चाहिए, लेकिन जो मोस्ट होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या है, वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट। एक गुड टीचर वही हो सकता है जो क्या है, अपनी जो पर्सनैलिटी है या एबिलिटी है उसको रिलेट करे किससे, क्लास से और स्टूडेंट से। ये बिगिनिंग फेज होती है टीचिंग करियर की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग हम किसको बोल सकते हैं, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, ऑफ कोर्स बिल्कुल, कि क्लास में डिसिप्लिन बना रहना चाहिए, टीचर्स ऑनेस्टी, टीचर्स ईमानदार होना चाहिए अपने जो भी उसकी ड्यूटी है उसको लेकर, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड स्टूडेंट, तो टीचर को क्या है, स्टूडेंट्स को सिखाना और समझाना चाहिए, बिल्कुल, टीचर्स लाइकिंग फॉर द जॉब ऑफ टीचिंग, तो यहाँ पर क्या है, टीचर्स को अपनी जो जॉब है पढ़ाने की उसको लाइक करना चाहिए। तो इसमें मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है, तो इसमें जो मोस्ट इफेक्टिव है, जो टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड है, वो क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन सी, टीचर्स क्या है, स्टूडेंट्स को चीज़ों को लर्न कराए और अंडरस्टैंड कराए, समझाए और उनको सिखाए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लिए जाते हैं, हैं तो चार, देखिए चारों सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल है वो ऑप्शन सी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और लिस्ट टू में उनसे रिलेटेड फिलोसफी दी गई हैं। तो यहाँ पर नेम दिए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और बुद्धिज्म की क्या फिलोसफी रही हैं। तो टैगोर ने क्या है, टैगोर पहले तो यही आप रिलेट करो कि किस फिलोसफी को मानने वाले थे। तो टैगोर थे किसके, नेचुरलिज्म के, प्रोपोनेंट ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में हमने क्या बताया था, नेचर पे डिपेंड रहते हैं। देन हमने वेरियस जो अप्रोचेस थी वो पढ़ी थी, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, और इसके बाद हमने पढ़ी थी कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म, डैश, हमने काफ़ी पढ़ी थी। और विवेकानंद ये किसके प्रोपोनेंट थे, स्वामी विवेकानंद। टैगोर किसके थे, ये टैगोर ये थे नेचुरलिज्म के, ठीक है। और विवेकानंद किसके थे, ये थे ये हमारा जो आइडियलिज्म है ये उसके प्रोपोनेंट थे। महात्मा गांधी ये अलग थे, इन्होंने किसकी बात बताई थी, बेसिक एजुकेशन की बात बताई थी, या फिर वर्धा एजुकेशन सिस्टम की, बेसिक एजुकेशन या फिर वर्धा एजुकेशन सिस्टम की बात बोली थी। और बुद्धिज्म क्या है, कर्मा की बात की गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, यहाँ पर क्या है, कर्म पर फोकस किया गया था। तो इसको मैच कर लेते हैं, टैगोर ने क्या बोला था, टैगोर ने बोला था इस टीचिंग को लेकर, पढ़ाई को लेकर, चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, जो एक बच्चा होता है वो कोई भी किताब हो उससे क्या है मोर इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी तरह की आप किताब ले आइए, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, वो सब चाइल्ड पे करता है। देन सेकंड यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ धर्मा की बात बोली थी इन्होंने, स्वामी विवेकानंद, सॉरी यहाँ पर योगा एज अ मेथड ऑफ एजुकेशन, इन्होंने किसकी बात की गई थी, योगा के थ्रू एजुकेशन की बात की गई थी स्वामी विवेकानंद ने। देन महात्मा गांधी ने किसकी बात की थी यहाँ पर, जो बेसिक एजुकेशन की या फिर वर्धा स्कूल एजुकेशन की बात की थी, तो हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एंड बुद्धिज्म में किसकी बात की गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा की, तो आप रिलेट कर सकते हो बुद्धिज्म से। डी का क्या है, सेकंड है, अब सेकंड देखिए किस में है,
सेकंड सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो बाकी सब आप एलिमिनेट भी कर सकते हो और बाकी मैच करके ये आंसर देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस एजुकेशन इज मैन मेकिंग, जो एजुकेशन होती है वो क्या है, किसी भी इंसान को बनाती है। इट इज डेट बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज, जो हमारा बुद्धि का विकास होता है उसको स्ट्रेंथ करती है। इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड विच बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ऑन फिट। तो ये लाइन किसकी है, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या इनमें से किसी की नहीं। तो एजुकेशन पे फोकस किसने ज़्यादा दिया था, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने, उनकी ही ये लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायर टू टीचिंग द टीचर डज, अगर टीचिंग से पहले क्या करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल आप क्या पढ़ाने जा रहे हो आपको यही पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ाओगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों काम आएगा, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लेसन प्लान, बिल्कुल ये भी आपका जो भी लेसन है उसका पहले से प्रिपेयर करके रखना। नो द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स यस, जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है उसको भी जानना, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, हम एक इफेक्टिव टीचिंग किसको बोल सकते हैं, टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट मे और मे नॉट बी एक्टिव। क्या एक क्लासरूम है, देखिए उसमें क्या है 20 स्टूडेंट्स है और एक टीचर है, यहाँ पर क्या है एक टीचर है और यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स है, तो इसमें बोला गया है कि टीचर को क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, स्टूडेंट्स क्या हैं, एक्टिव रहे या ना रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला तो गलत हो जाता है, स्टूडेंट्स को भी एक्टिव होना चाहिए और टीचर को भी एक्टिव होना चाहिए, तभी क्लासरूम का एटमॉस्फेयर अच्छा बना रहेगा। टीचर में भी एक्टिव और इनएक्टिव बट स्टूडेंट्स आर एक्टिव, ये भी गलत है, अगर टीचर ही एक्टिव नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स खुद ही इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, या फिर टीचर एक्टिव है स्टूडेंट्स इनएक्टिव है क्लास में, तो टीचर भी इफेक्टिव वे में नहीं पढ़ा पाएंगे। देन नेक्स्ट है, टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, ये करेक्ट है, दोनों को यहाँ पर क्या है एक्टिव रहना चाहिए और क्लासरूम का के जो डेकोरम है उसको मेंटेन करके रहना चाहिए, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज, यहाँ पर क्या है इमीडिएट आउटकम क्या निकल के आएगा। देखिए मोस्ट पूछा है, पहले शब्दों पर जाइए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम क्या हो सकता है टीचिंग का, चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन, बिल्कुल सही लग रहा है, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये भी ठीक लग रहा है, बिल्डिंग करेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स ये भी ठीक लग रहा है, गेटिंग सेलेक्टेड जो सेलेक्टेड फॉर अ सुटेबल जॉब ये भी ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड पूछा है कि क्या होना चाहिए, देखिए जब टीचर कोई पढ़ाता है तो वो क्या चाहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर में चेंज आए और उस डायरेक्शन में जाए जहाँ से उन्हें कुछ अच्छा गेन करने को मिले, तो इसका करेक्ट आंसर मोस्ट सुटेबल क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर क्या है, जो टीचर फोकस करता है कि स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है वो डिजायरेबल डायरेक्शन में जाए, टोटल पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकते हैं और कैरेक्टर बिल्डिंग कैरेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्ट पूछा है ना, जॉब के लिए तो पढ़ते ही हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब के लिए ही पढ़ते हैं, टीचिंग से क्या है हमारा बिहेवियर भी अच्छा होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसीज, यहाँ पर जो टीचिंग एफिशिएंसी है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल्स, ऑफ कोर्स यस, टीचिंग स्किल्स में मास्टरी होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे स्टूडेंट्स के साथ डील करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, ये सब आपको आना चाहिए, मास्टरी ओवर यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, ये ठीक है, टीचिंग आप पढ़ाते हुए किन किन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो उसमें आपको मास्टर होना चाहिए, देन मास्टरी ओवर एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, जो आज का प्रेजेंट टाइम है उसमें मीडिया और टेक्नोलॉजी की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये टीचर को आनी चाहिए। तो इससे निकल के आ जाएगा क्या, मास्टरी किन चीज़ों में होना चाहिए, टीचिंग को इफ़िशेंसी बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर करेक्ट नहीं नॉट करेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन से हमारे, अ गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी अ गुड टीचर। क्या एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता है? अ गुड कम्युनिकेटर हैज़ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एक गुड कम्युनिकेटर जो है उसका जो ह्यूमर होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो अच्छा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अ गुड कम्युनिकेटर हैज़ वाइड रीडिंग नॉलेज। एक गुड जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है उसकी जो रीडिंग स्किल होती है तो वो क्या होती है, वाइड होती है, बिल्कुल हो सकती है। अ गुड कम्युनिकेटर हैज़ कमांड ओवर लैंग्वेज। जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है उसकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है। अगर करेक्ट पूछा होता तो ये तीनों सही थे, और नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा टीचर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर इज सक्सेसफुल ओनली इफ ही। एक सक्सेसफुल टीचर किसको बोला जा सकता है? नोज इज सब्जेक्ट थोरोली वेल, जो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानता हो, जिसको अपने सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज हो, डीप नॉलेज। मान लीजिए हिस्ट्री का टीचर है, उसको क्या है, हिस्ट्री की डीप नॉलेज है, ज्योग्राफी का है तो उसको डीप नॉलेज है। देन प्रोड्यूस 100% रिजल्ट, जो अपनी क्लास का 100% रिजल्ट दे, वो क्या है, एक सक्सेसफुल टीचर हो सकता है। इज अप्रोचेबल, वो क्या है, जो चीज़ों को ईजिली अवेलेबल कराए, वो गुड टीचर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पब्लिश पेपर इन जनरल्स ऑफ जो रेप्यूटेड जो जनरल होते हैं उसमें अपने पेपर को पब्लिश कराए, वो एक सक्सेसफुल टीचर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मोस्ट सुटेबल आंसर है, वो क्या है, हमारा ऑप्शन ए है, जो अपने सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज रखता हो या थोरोली जानता हो अपने सब्जेक्ट को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आ टीचर वॉन्ट्स टू इन्हांस हिज इनकम ही शुड। एक टीचर क्या है अपनी इनकम को इन्हांस बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या एफर्ट करने चाहिए। टीच इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग एक्स्ट्रा टाइम, वो क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाए जो उसका एक्स्ट्रा टाइम है उसमें। टेक मोर रेम्यूनेटिव वर्क्स इन कॉलेज, जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पर क्या है, प्रॉफिटेबल वर्क करे, जिससे क्या है उसको प्रॉफिट एक्स्ट्रा इनकम हो। देन जॉइन कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट्स अदर देन टीचिंग, असाइनमेंट्स वगैरह को जिस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर असाइनमेंट को ज्वाइन करे और उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करे, या फिर राइट बुक्स। तो इसमें से क्या है, जो अपनी टीचर अपनी इनकम को इन्हांस करे, तो बेस्ट मेथड है, बेस्ट सॉल्यूशन है इसका, बुक्स लिखे वो, जिससे बुक्स से क्या होगा, बुक्स पब्लिश होंगी, इनकम जनरेट होगी और बाकी लोगों का भी फायदा होगा, जो रीडर्स हैं उनका भी बेनिफिट होगा। और बुक्स अगर स्कूल कॉलेज के कोर्स में आ गई तो टीचर को और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ प्रिंसिपल यू विल एनकरेज योर टीचर कलीग्स टू। अगर आप एक प्रिंसिपल हो तो आप अपने जो टीचर कलीग्स हैं उनको कैसे एनकरेज करोगे, उनको बोलोगे पार्टिसिपेट इन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस इन इंडिया एंड अब्रॉड, की पार्टिसिपेट करें सेमिनार और कॉन्फ्रेंसिस में जो इंडिया में हो रहे हैं या फिर बाहर होते हैं। बिल्कुल ये एक अच्छे प्रिंसिपल की निशानी है। पार्टिसिपेट इन रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, कि वो पार्टिसिपेट करे जिससे उनके जो सब्जेक्ट की नॉलेज है उसमें इन्हांसमेंट हो सके, बिल्कुल। देन डूइंग कम्युनिटी सर्विस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउनट्रोडन, जो कम्युनिटी सर्विस दें, जो डाउनट्रोडन बच्चे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनको क्या है, शिक्षा दें, वंचित वर्ग के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल सर्विस दे। तो ये क्या है, टीचर को एनकरेज करने के
निशानी है, अगर आप प्रिंसिपल हो तो अपने जो कलीग्स टीचर हैं उनको एनकरेज करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन हेल्प अ टीचर इनकलकेट सोशल एंड मोरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एक टीचर को क्या है इनकलकेट करती हैं सोशल और मोरल वैल्यूज़ के लिए, जो स्टूडेंट्स के अंदर क्या है सोशल और मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करे, जागृत करे। डिलीवरिंग लेक्चर्स ऑन वैल्यूज़, बिल्कुल हो सकता है अगर लेक्चर डिलीवर करे किसके वैल्यूज से रिलेटेड। शोइंग टीवी प्रोग्राम्स, जो टीवी प्रोग्राम्स है किससे रिलेटेड, मोरल वैल्यूज से वो दिखाए। इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स एक्टिवली इन को करिकुलर एक्टिविटीज, बिल्कुल हो सकता है उनको इन्वॉल्व करें इन इस तरह की एक्टिविटीज़ में। ऑब्जर्विंग रिलीजियस फेस्टिवल्स, इससे क्या है एक दूसरे की जो डाइवर्सिटी है वो एक सीखने को मिलती है। लेकिन इसका जो बेस्ट मेथड है, जो बेस्ट आंसर होगा, यहाँ पर क्या है मोस्ट सुटेबल पूछा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स को क्या है एक्टिवली किस में इन्वॉल्व कराएं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ, एक अच्छा जो टीचर है इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब बन सकता है। ही यूजेज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, जो किसका यूज करे, जो डिजिटल बोर्ड है या फिर चार्ट्स हैं मॉडल्स हैं उनका यूज करे, तब एक क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो सकता है। देन क्या है, ही हेल्प्स स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस, वो स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाए कि जो उसने पढ़ाया उसका मीनिंग स्टूडेंट्स को समझ आए। ही आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन टीचिंग, पढ़ाते वक्त बीच में वो क्वेश्चन पूछने को बोले स्टूडेंट से। ही हेल्प स्टूडेंट गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक, वो स्टूडेंट्स की हेल्प करे कि करेक्ट आंसर दें जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका आंसर। तो इफेक्टिव टीचर कब हो सकता है, तो वो हो सकता है जब वो कुछ चीज़ों को पढ़ाए और उनका क्या है मीनिंग स्टूडेंट्स को समझ आए, वो क्या है एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर के निशानी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज, जो हायर एजुकेशन में टीचिंग देते हैं वो किस पर इम्प्लाई करती है। प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उनकी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देना। देन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, क्लास में जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना एंड एग्जाम कंडक्ट कराना। देन हेल्पिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर एंड पास द एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स की हेल्प करे किसमें, जो पढ़ाया है उसमें और एग्जाम में पास कराए उनको। देन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, तो सीखने पर जोर दे। तो ये जो ऑप्शन डी है ये मोस्ट सुटेबल है, जो हायर एजुकेशन होती है आपकी कॉलेज लेवल पर होती है यूजी पीजी या फिर पीएचडी में। तो यहाँ पर क्या है उनकी सिर्फ हेल्प करे सिखाने में, बाकी तो स्टूडेंट्स इतने बड़े लेवल पर खुद ही चीज़ों को कर लेते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर, टीचिंग इफेक्टिव कब होगी, अगर टीचर क्या है इज द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट में क्या है मास्टर है, बिल्कुल हो सकता है टीचिंग इफेक्टिव अगर टीचर क्या है मास्टर अपने सब्जेक्ट में। हैज मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग द सब्जेक्ट, उसको एक्सपीरियंस है अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने में। स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, वो चीज़ों को वहाँ से पढ़ाए जहाँ से स्टूडेंट्स जानते हैं, या फिर यूजेज मैनी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज का यूज करके चीज़ों को बताए, तो टीचिंग क्या है इफेक्टिव हो सकती है। तो इसका बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है, तो अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए जैसे 10th क्लास हुई और आप क्या है पढ़ाने लगे 11th के लिए, अब आप ये नहीं कि 6th क्लास का पढ़ाने लग जाओ, आप वो पढ़ाओगे जो 10th क्लास के बाद सिलेबस है। तो 10th क्लास तक स्टूडेंट्स को आता है, 11th से आप स्टार्ट करोगे, तो चीज़ों को वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं, तो टीचिंग क्या है इफेक्टिव होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलेज टीचर विल रियली हेल्प
द स्टूडेंट्स व्हेन ही और सी। तो इसमें क्या डिक्टेट्स नोट्स इन द क्लास। तो अगर कॉलेज टीचर है वो स्टूडेंट्स की हेल्प किस तरह से करेगा, नोट्स को डिक्टेट करे क्लास में वो हेल्प है स्टूडेंट्स की, या फिर इज ऑब्जेक्टिव इन हर इवेलुएशन, जो वो पढ़ा रहा है पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं वो क्या है ऑब्जेक्टिव है इन हर इवोल्यूशन, या फिर इनक्रेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, या स्टूडेंट्स को इनक्रेज करे कि वो क्वेश्चन पूछे क्लास में, या फिर कवर द सिलेबस कम्प्लीटली इन क्लास कि अपना सिलेबस कम्प्लीट कराए क्लास में, उससे क्या है स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है। तो इसका बेस्ट जो आंसर है वो क्या है, जो चीज़ों को वो पढ़ा रहा है उसका कोई ऑब्जेक्टिव हो, या फिर उसका इवेलुएशन करे, इवेलुएट करे चीज़ों को, मान लो आपने कुछ पढ़ाया फिर चीज़ों का क्या है इवेलुएशन किया, तो ये क्या है बेस्ट मेथड है इसका। अ कॉलेज विल रियली हेल्प द स्टूडेंट्स जब वो क्या है उन चीज़ों का जो कोई पढ़ाया है जिसका कोई ऑब्जेक्टिव है और उसका इवेलुएशन करे, तो ये बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट डिजायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर मोस्ट डिजायरेबल आउटकम पूछा है किसका, टीचिंग का, जो हायर एजुकेशन है अपर लेवल पर पढ़ाते हैं। इंक्रीज इन स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट की अचीवमेंट क्या है में इंक्रीमेंट हो, या इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, जो सोचने की क्षमता है स्टूडेंट्स की उसका लेवल को बढ़वाए, या फिर हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसमें क्या है इंक्रीमेंट हो, और या फिर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट, जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसमें स्टूडेंट्स की मात्रा बढ़े, तो ये क्या है टीचिंग का। इसमें मोस्ट पूछा है, तो मोस्ट डिजायरेबल आउटकम क्या हो सकता है, तो इसका मोस्ट आउटकम है ऑप्शन बी, क्योंकि हायर जो एजुकेशन होती है वहाँ पर थिंकिंग लेवल, जो सोचने की क्षमता है उसमें इंक्रीमेंट कराए स्टूडेंट्स की, वही क्या है डिजायरेबल आउटकम है किसका टीचिंग का। बुक्स कैन बी अ पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड, बुक्स क्या है पावरफुल सोर्स है किसका कम्युनिकेशन का, बुक्स के थ्रू हम क्या है कम्युनिकेट करते हैं, किसी ने स्टोरी लिखी है या फिर कोई क्या है पोएम लिखी है या चैप्टर लिखा है, तो उससे क्या है हम कम्युनिकेट करते हैं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो बुक्स हमें क्या देती हैं, द कंटेंट इज एब्स्ट्रैक्ट, द कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव, द मीडियम इज हिंदी, या द कंटेंट इज प्रेजेंटेड थ्रू गुड प्रिंट। कंटेंट कैसा होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, मतलब कि जो कंटेंट होता है वो सिर्फ आइडियाज होने चाहिए, एग्जिस्टिंग ओनली एन आइडिया नॉट अ फिजिकल थिंग। इसमें क्या है फिजिकल थिंग की बात न कर किसी आइडियाज वगैरह की बात होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये लाइन बोली जाती है। इसमें ऑनेस्टी क्या है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मतलब एक आइडिया ही है ऑनेस्टी, कभी दिखाई दी है किसी की कि ऑनेस्टी ऐसी होती है, नहीं दिखाई देती, तो ये क्या है एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। देन क्या है कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए मीन्स आइडिया बेस पर, या फिर कंटेंट कैसा होना चाहिए इलस्ट्रेटिव होना चाहिए, इलस्ट्रेटिव मतलब उदाहरण वाले, जिसमें क्या है एग्जाम्पल भरपूर दिए हुए हैं एग्जाम्पल की हेल्प से, या फिर मीडियम कैसा होना चाहिए हिंदी मीडियम होना चाहिए, बुक जो प्रिंट हुई है वो कैसा हिंदी में होनी चाहिए, या कंटेंट कैसा होना चाहिए अच्छी तरह से प्रिंटेड होना चाहिए गुड प्रिंट। तो इसमें बेस्ट कौन सा आपको आंसर लग रहा है, तो इसमें क्या है जो कंटेंट होना चाहिए उसमें क्या है एग्जाम्पल की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, द कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव उदाहरण वाला होना चाहिए जिसमें एग्जाम्पल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, गुड टीचिंग आप किसको बोल सकते हो किससे रिफ्लेक्ट होती है, ये क्वेश्चन आया 1998 दिसंबर वाले जो सेशन में एग्जाम हुआ था ये उसका क्वेश्चन है। तो गुड टीचिंग किससे रिफ्लेक्ट करती है, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट की स्टूडेंट अच्छे खासे होने चाहिए, या फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं अच्छा ग्रेड लेकर आए हैं, या फिर
मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स मीन्स जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा वो मीनिंगफुल क्वेश्चंस होने चाहिए, या फिर पिन ड्रॉप साइलेंस, क्लास में कैसे साइलेंट माहौल होना चाहिए। तो गुड टीचिंग किसे रिफ्लेक्ट करती है, तो ऑप्शन सी मीनिंगफुल, जो क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा, ये क्लास है, टीचर ने कुछ पढ़ाया, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या है क्वेश्चन तर्क वाले पूछे हैं, मीनिंगफुल जो जिनकी इम्पोर्टेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज, ये क्वेश्चन भी दिसंबर 1998 का है। क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन देना, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड्स, जो इंक्वायरिंग माइंड्स है उनको डेवलप करना। इंक्वायरिंग माइंड्स क्या होते हैं, जिनको जानने की इच्छा ज़्यादा होती है, जानने की इच्छा, या फिर टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, या फिर टू हेल्प स्टूडेंट्स पास एग्जामिनेशन, की स्टूडेंट्स को क्या है एग्जाम पास करने में हेल्प करना। ये क्लास रूम टीचिंग का क्या मेन एम है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर है कि टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड्स, जिनको जानने की इच्छा होती है, प्रबल इच्छा, उन माइंड्स को डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स प्रीफर दोज टीचर्स, स्टूडेंट्स किन टीचर को प्रीफर करते हैं, ये क्वेश्चन आया है 2000 में दिसंबर वाले सेशन में। तो जो स्टूडेंट्स उन टीचर को प्रीफर करते हैं जो नोट्स डिक्टेट करते हो क्लास में, या फिर एग्जाम से पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें, या क्वेश्चन की लिस्ट दे दें, या फिर कैन क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, या जो उनकी डिफिकल्टीज हैं या क्वेरीज हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको क्लियर करना, या फिर टीचर्स खुद डिसिप्लिन में रहना और स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रखना। तो स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं उन टीचर्स को जो उनकी हेल्प करे, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो डिफिकल्टीज हैं किसी सब्जेक्ट में उनको सॉल्व करे। तो ये क्या है, एक गुड टीचर की निशानी है और स्टूडेंट्स उन्हीं को प्रीफर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, सिलेबस से रिलेटेड क्या है इंफॉर्मेशन देना, या फिर प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, हेल्प द स्टूडेंट्स इन गेटिंग जॉब्स, जॉब्स लगाने में स्टूडेंट्स की हेल्प करना, या फिर टू डेवलप थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सोचने की क्षमता को डेवलप करना। तो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर्स रोल इन हायर एजुकेशन इज टू, टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए हायर एजुकेशन में, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना, यहाँ पर ओनली शब्द आया है केवल। देन मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग, स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट करना, या फिर एनकरेज करना कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट, एक दूसरे में क्या हेल्दी कॉम्पिटिशन, यहाँ कॉम्पिटिशन की बात हो रही है तो नेगेटिव वे में ना लेकर इसको हेल्दी कॉम्पिटिशन के रूप में लेना चाहिए। तो टीचर्स का रोल क्या हो जाता है इसमें, बेस्ट कौन सा है, वन एंड टू, टू थ्री एंड फोर, वन थ्री एंड फोर, या ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर क्या है जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है थोड़ा वेग टाइप लग रहा है, ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ तो ओनली वर्ड आ गया एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, अगर यहाँ से हम सेकंड वाला इसको एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे ये कट जाते हैं और करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर, एक इफेक्टिव टीचर क्या एंश्योर करता है, ये क्वेश्चन आया दिसंबर 2002 में। कोऑपरेशन अमंग इज स्टूडेंट्स, एक दूसरे के लिए क्या है कोऑपरेट करना स्टूडेंट्स का। लेजी फेयर रूल, इसमें क्या है मिनिमल रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए,
या कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में क्या है, कंपटीशन होना चाहिए एंड कंपटीशन और कोऑपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड, ये थोड़ा सुटेबल लग रहा है क्योंकि कंपटीशन और कोऑपरेशन सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से ही होना चाहिए, तो एक इफेक्टिव टीचर यही एंश्योर करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ न्यू टीचर टू स्टार्ट विद विल हैव टू, ये दिसंबर 2002 में आया है। एक न्यू टीचर को स्टार्टिंग जो करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए, यहाँ पर एनफोर्स डिसिप्लिन इन क्लास, क्लास में डिसिप्लिन रखना चाहिए। एस्टेब्लिश रिपोर्ट विद द स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट नहीं है, रैपर्ट है, रैपर्ट, या इसको रैपर्ट बोल सकते हो या रिपोर्ट बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स के बीच में क्या है, रिपोर्ट का मीनिंग होता है तालमेल बिठाना, यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में तालमेल बिठाना, या फिर जोक से क्रैक करना है स्टूडेंट्स के बीच में कि जोक के हेल्प से चीज़ों को सिखाए, या टेल द स्टूडेंट्स अबाउट हिज क्वालिफिकेशन, या अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में स्टूडेंट्स को बताना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ तालमेल बिठाना, ये क्या है, एक न्यू टीचर का जो स्टार्टिंग होता है वो अच्छा मेथड होता है। आप न्यू टीचर बने किसी स्कूल या कॉलेज में, प्रोफेसर बने, तो वहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स के साथ आप तालमेल बिठाइए और उससे क्या है, इजीली फिर चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। तो एक इफेक्टिव टीचर के लिए यहाँ पर लीस्ट चांस बोला है, जो एक अच्छा टीचर बनना चाहता है उसके लिए यहाँ पर लीस्ट बोला है। तो यहाँ पर सबसे लीस्ट चांस कौन सा है इफेक्टिव टीचर के लिए, वन हु इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर, जिस जो क्या है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखता हो, या फिर हु वन हु नोज इज सब्जेक्ट वेल, जो अपने सब्जेक्ट को अच्छा जानता हो, या फिर हु हैज नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं हो, या वन हु टीचेस मॉरल वैल्यूज, देखिए ये मॉरल वैल्यूज सिखाता है वो अच्छा है, डिसिप्लिन भी रखता हो वो भी ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बोला है, सब्जेक्ट जानता हो ये भी ठीक है, लेकिन टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये तो क्या है इफेक्टिव टीचर के लीस्ट चांस है। एक इफेक्टिव टीचर कभी नहीं बन पाएगा। ये दिसंबर 2002 में आया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टीचर कैन एस्टेब्लिश रैपर्ट विद स्टूडेंट्स बाय, एक टीचर स्टूडेंट्स के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है। प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइड हु डिजायर टू हेल्प देम, एक गाइड की तरह अपना रोल प्ले करना है, जो क्या करे, हु डिजायर टू हेल्प देम, जो उनकी जो हेल्प है उसको पूरा करे। बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, फिगर ऑफ अथॉरिटी की तरह काम करे, या इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट्स विद नॉलेज, स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज से इम्प्रेस करे, या स्ट्रिक्ट रूल इम्प्लीमेंट करे। तो तालमेल किससे बैठ सकता है, एक अच्छे गाइड की तरह रोल प्ले करे और उनकी हेल्प करे, तो ये क्या है, तालमेल तभी बैठ सकता है एक टीचर और एक अच्छे स्टूडेंट्स का। माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन किससे पूछा गया, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया दिसंबर 2009 वाले सेशन में। इसमें पूछा है माइक्रो टीचिंग कब इफेक्टिव होती है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, या फिर ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, और ऑलवेज। देखिए माइक्रो टीचिंग उसको बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोर्स वगैरह कराते हैं, लाइक बीएड देखा होगा आपने, बीएड में क्या करते हैं, जब कोर्स करते हैं बीएड का, तो उसमें क्या है, आपको पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है एक तरह से, तो ये भी क्या होता है माइक्रो टीचिंग, उसी का एक एग्जांपल है। इसमें क्या है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, यहाँ पर क्या है प्रिपरेशन के दौरान ही आपको टीचिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग को, ये क्या है, एक तरह से टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक है, टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक। यहाँ पर क्या है, जो टीचर बनने वाले होते हैं उनको क्या है, एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स। यहाँ पर क्या है, टीचिंग स्किल सीखने के लिए आपको पहले ही सिखाया जाता है कि कैसे आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, कैसे क्लासरूम में डेकोरम मेंटेन करना है, कैसे स्टूडेंट्स को हैंडल करना है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं।
इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशन फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स एंड हेल्प टू गेट डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ टीचिंग। वही है कि आपको टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब सिखाई जाती हैं। दिस स्टैनफोर्ड टेक्निक इन्वॉल्व्स द स्टेप ऑफ प्लान्स टीच ऑब्जर्व रीप्लान रीटीच एंड रीऑब्जर्व, यह सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसको क्या है, स्टैनफोर्ड टेक्निक भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। कब, 1961 के आसपास। कौन सी यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, नाम याद रखना। मोस्ट ऑफ द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वाइडली यूज माइक्रो टीचिंग। तो जितने भी टीचर्स बनने वाले होते हैं ये एक तरह से प्री सर्विस है उनके लिए। एंड इट इज़ अ प्रूवन मेथड टू अटेन ग्रोस इम्प्रूवमेंट इन द इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस। इफेक्टिव स्टूडेंट टीचिंग शुड बी द प्राइम क्वालिटी ऑफ अ टीचर। तो यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव स्टूडेंट टीचिंग, यहाँ पर क्या है, एक टीचर का प्राइम रोल क्या होता है कि उसके स्टूडेंट्स क्या है चीज़ों को सीखें। और अगर कोई टीचर भी टीचर बनने वाला है उससे पहले उसको भी चीज़ें सीख लेनी चाहिए। तो ये सब क्या है, माइक्रो टीचिंग के बारे में देखा हमने। तो माइक्रो टीचिंग इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। यहाँ पर क्या है, टीचिंग के जो लेवल पढ़ाए थे हमने वो क्या थे, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, तीन तरह के मेथड से देखे थे। तो यहाँ पर क्या है, नोट पूछा है इनमें से कौन सा लेवल नहीं है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, डिफ्रेंसिएशन लेवल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अफेक्ट इन लर्नर्स। यहाँ पर सवाल पूछा है किससे रिलेटेड, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, और उसमें भी किससे, कॉग्निटिव से। देखिए हमने ये है आपको बार बार बताया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, ब्लूम्स एंड किसकी पढ़ते हैं, गागने की टैक्सोनॉमी, गागने एंड ब्रिग्स। तो ब्लूम्स में भी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, तीन डोमेन पढ़ते हैं, कौन से, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो ये हमने आपको डिटेल में बता चुके हैं, कॉग्निटिव में क्या आता है, अफेक्टिव में क्या आता है और साइकोमोटर में क्या आता है। तो अगर आपको ये डिटेल में लेक्चर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जो यूजीसी नेट पेपर वन की प्लेलिस्ट है उसमें सारे जो लेक्चर हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉग्निटिव ये किससे, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है, अफेक्टिव ये इमोशंस वगैरह से, और ये जो साइकोमोटर्स होता है ये मूवमेंट्स से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर किससे पूछा गया है, कॉग्निटिव डोमेन से पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मेंटल एबिलिटी या मेंटल थॉट इंटेलिजेंस इससे रिलेटेड आता है। तो कॉग्निटिव में क्या है, थॉट से रिलेटेड देखा जाता है। इमोशंस किस में आते हैं, ये अफेक्टिव में आते हैं। स्किल्स ये साइकोमोटर में, और ये थॉट किस में आ जाएगा, ये कॉग्निटिव में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल टू स्टूडेंट्स ऑफ। माइक्रो टीचिंग अभी हमने जो आज का पहला क्वेश्चन था उसमें बताया कि माइक्रो टीचिंग किसके लिए इफेक्टिव होती है, क्या होता है माइक्रो टीचिंग, ये सब बताया। तो ये यूजफुल होती है किन स्टूडेंट्स के लिए, क्या प्राइमरी क्लासेस के लिए होती है, जूनियर क्लासेस के लिए, या 10+2 क्लासेस के लिए, या फिर बोथ फॉर प्राइमरी एंड हायर क्लासेस के लिए। तो माइक्रो टीचिंग तो दोनों के लिए ही क्या है, यूजफुल है, वेदर प्राइमरी क्लासेस हो और या फिर हायर क्लासेस हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉज द पायनियर इन माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इन 1961। जो पहला क्वेश्चन था आज का, उसमें हमने बताया है माइक्रो टीचिंग को क्या बोलते हैं, स्टैनफोर्ड टेक्निक भी बोलते हैं, स्टैनफोर्ड टेक्निक। और हमने ये भी बताया था कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई थी, पायनियर कौन सी यूनिवर्सिटी थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और कब, 1961 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एजुकेशन जॉन डेवे स्ट्रेस्ड ऑन, जॉन यहाँ पर क्या है, जॉन डेवे ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया इनमें से, लर्निंग बाय डूइंग, अथॉरिटेरियन टेक्निक मेथड्स, रोट लर्निंग, या नन ऑफ द अबव। तो जॉन डेवे ने बात की थी लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी काम करो करके सीखो, से करके सीखना, पहले उसे करो और फिर उसे सीखो। तो इस पर फोकस किसने दिया, जॉन डेवे ने। एग्जांपल के लिए आप कोई भी चीज़ें है, मैकेनिक का काम सीख रहे हो, या कोई भी आप बार्बर को देखा होगा आपने, तो बार्बर क्या है, पहले चीज़ों को देखता है, देख के फिर धीरे धीरे करता है, करके फिर वो क्या है, मास्टर हो जाता है, जब उसको प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट किसने दिया, जॉन डेवे ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड, यहाँ पर क्या है, मेन प्रोपोनेंट पूछ लेते हैं और एक तरफ कॉन्सेप्ट दे देते हैं। जैसे बेसिक एजुकेशन की बात की जाए, या वर्धा एजुकेशन सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने। या लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, यहाँ पर क्या है, नेचुरलिज्म की बात की गई है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंटीग्रल एजुकेशन की बात किसने की, श्री अरविंदो ने। एंड फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो इंडियन फिलोसफी में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उन पर फोकस किसने दिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, ये जे कृष्णमूर्ति ने दिया। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग, अभी हमने देखा लर्निंग बाय डूइंग, ये किसने दिया, जॉन डेवे। तो करेक्ट आंसर उसका क्या था, जॉन डेवे का, लर्निंग बाय डूइंग। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये मारिया मोंटेसरी ने दिया। एंड किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कॉरपोरेशन, ये फ्रोबेल ने। एंड नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर, यहाँ पर क्या है, नेचर को ही क्या है, ओनली टीचर बताया, ये किसने दिया, रूसो ने। तो ये जितने भी अप्रोचेस थी, इससे रिलेटेड एक लेक्चर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, अप्रोचेस रिलेटेड टू एजुकेशन, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो। सारी अप्रोचेस, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, सारी अप्रोचेस वहाँ पर डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ, यहाँ पर बात की गई है किसकी, सिंपोजियम की। सिंपोजियम आखिर है क्या, डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, या डेमोंस्ट्रेशन मेथड। सिंपोजियम एक तरह का क्या है, मीटिंग टाइप होता है, जिसमें क्या है, एक तरह की मीटिंग है, जिसमें क्या है, एट विच एक्सपर्ट्स हैव डिस्कशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, डिस्कशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक डिस्कशन मेथड हो जाएगा। सिंपोजियम क्या है, पब्लिक मीटिंग है, किसी टॉपिक को लेकर वहाँ पर मीटिंग होती है, जिसमें पीपल का है अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये सिंपली क्या है, डिस्कशन मेथड है, डिस्कशन मेथड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मस्ट्रांग वाज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड। तो जब हमने ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ाया था, उसमें आर्मस्ट्रांग का भी जिक्र किया था कि ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रोपोनेंट कौन है, आर्मस्ट्रांग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ह्यूरिस्टिक मेथड की बात की जाए, तो इस मेथड को वॉज एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। तो यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है। इन दिस मेथड द स्टूडेंट हैज़ टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ हिज और हर ओन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट्स।
Does the child becomes a discoverer of knowledge by developing a spirit of inquiry? ये क्या है? सीखने की प्रबल क्षमता, यहाँ पर क्या है? खुद से, ज़्यादातर चीज़ें खुद से ही सीखता है students, बिना किसी एफर्ट के। इसमें टीचर क्या है? आपका साथ देता है। द मेन एम ऑफ टीचिंग बाय दिस मेथड इज नॉट टू प्रोवाइड मच फैक्ट्स अबाउट साइंस, मैथमेटिक्स, ग्रामर, इट इज बट टू टीच हाउ नॉलेज ऑफ दीज कैन बी ऑब्टेंड। देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं सीखना है कि नॉलेज के, साइंस के फैक्ट्स जानना है या मैथ्स के या ग्रामर के, बल्कि इनके विपरीत क्या जानना है कि टीच हाउ नॉलेज ऑफ दिस कैन बी ऑब्टेंड, इनकी जो नॉलेज है वो कैसे ऑब्टेंड की जा सकती है। ये क्या है? इसका एडवांटेज सेल्फ लर्निंग अप्रोच है। यहाँ पर क्या है? खुद से भी चीज़ें सीखी जाती हैं। लिमिटेशन क्या है? नॉट मच फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज पर, यहाँ पर फोकस नहीं की जाता, ये क्या है? लिमिटेशन है। तो आई होप ह्यूरिस्टिक मेथड समझ आया होगा। डिटेल में जानने के लिए आप देख सकते हो हमारे क्या है UGC NET पेपर 1 सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर ड्रिल और प्रैक्टिस की बात की गई है कि किसका फॉर्म है ये? क्वेश्चनिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रक्शन या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चनिंग में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज द टीचर डायरेक्टेड टीचिंग मेथड। यहाँ पर क्या है? टीचर डायरेक्टेड टीचिंग मेथड। इसमें क्या है? टीचर क्लास के सामने खड़े होकर क्या है? पढ़ाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो ये एक तरह से टेक्निक है जिसमें क्या है? स्टूडेंट्स आर गिवन द सेम मटेरियल रिपीटेडली अंटिल मास्टर इज अचीव्ड। जब तक, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस ही है, बार बार करके सीखना चीज़ों को। द टर्म ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस करेक्टरिस्टिक बाय सिस्टमेटिक रिपीटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम। बचपन में देखा होगा रिपीटेशन करा करा के ए बी सी डी या टेबल 2, 4, 6, 8, 10, ये टेबल लर्न करा करा के आपको चीज़ें सिखा दी जाती हैं, सिस्टमेटिक रिपीटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इसी को क्या है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड बोला जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। यहाँ पर टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन है। LCD प्रोजेक्टर है, बिल्कुल है। ग्रीन बोर्ड लगाएं, वो भी है। टेप रिकॉर्डर, वो भी क्या है? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। एक बार इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ दो तरह से डिवाइड होती है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। प्रोजेक्टेड में क्या है? फिल्म स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ईपीडियोस्कोप, वीडियो प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स वगैरह आती हैं। और नॉन प्रोजेक्टिव, यहाँ ग्राफिक डिस्प्ले बोर्ड, 3D ऑडियो एक्टिविटी, ये भी फर्दर डिवाइडेड हैं। जैसे ग्राफिक्स में चार्ट हो गया, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर्स, पिक्चर एंड पिक्चोग्राफ, ग्राफ्स, मैप डाइग्राम। डिस्प्ले बोर्ड्स में ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, पैक बोर्ड। 3D में मॉडल्स हो गए, मॉकअप्स, ऑब्जेक्ट एंड पपेट्स वगैरह। ऑडियो में रेडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, टेलीविज़न, टेलीफोन एंड मोबाइल। और एक्टिविटी में क्या है? फील्ड ट्रिप्स, एक्सपेरिमेंट, ड्रामेटिक्स, टीचिंग मशीन्स, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। तो दो पार्ट में डिवाइड है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। CAI स्टैंड फॉर, यहाँ पर क्या है? आपसे CAI का पूरा नाम पूछा है कि CAI होता क्या है। CAI की बात की जाए, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ये हमने जब पढ़ाया था, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इसको क्या बोलते हैं? CAL, या फिर दूसरे फॉर्म में बोला जाए तो इसका नाम होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन लर्निंग, या इंस्ट्रक्शंस एक ही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAL क्या किससे मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या है कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है किसके लिए, टू मीडिएट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पर अगर चीज़ों को सिखा रहे हैं तो इंफॉर्मेशन के फ्लो के लिए मीडिएटर का काम कौन करता है, कंप्यूटर। यहाँ पर टीचर है, यहाँ पर क्या है कंप्यूटर है, यहाँ पर क्या है लर्नर है। तो टीचर क्या है यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन देगा और यहाँ पर ये लर्नर पढ़ेगा। तो मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर की हेल्प से और आप मोबाइल या फिर लैपटॉप की हेल्प से टैबलेट की हेल्प से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर। ये क्या है CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, या अदर वर्ड्स में बोले तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैव बीन डेवलप्ड बाय, तो कंप्यूटर बेस्ड जो टीचिंग मॉडल है ये किसने डेवलप किया था और कब किया था, तो ये डेवलप किया था स्टोलरो एंड डेविस ने, कब, 1965 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो याद रखना कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल डेवलप किया था स्टोलरो एंड डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ प्रोजेक्टिव इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज से बिलोंग करता है, ब्लैक बोर्ड, डायोरामा, एपीडीएस्कोप या फिर ग्लोब। हमने इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज पढ़ाया था, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज इसमें क्या है दो तरह की बताई थी, एक बताई थी प्रोजेक्टेड और एक बताई थी नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में क्या क्या बताया था ये हमने, नॉन प्रोजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टेबल पढ़ाया था, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। देख लेते हैं प्रोजेक्टेड में क्या आते हैं। देखिए प्रोजेक्टेड में हमारा फिल्म्स आता है, स्लाइड्स आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडियोस्कोप, वीडियो प्रोजेक्शन और फिल्म स्ट्रिप्स, तो ये सब आता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वहाँ पर कौन बिलोंग करता है, तो ये आप 6 याद रख लीजिए। और तो इसमें कौन है, पीडियो स्कोप है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी सब क्या है नॉन प्रोजेक्टेड है, ब्लैक बोर्ड, डायोरामा, ग्लोब, ये क्या है नॉन प्रोजेक्टेड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, यहाँ पर लर्निंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है कि इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो सकता है। इनकल्केशन ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान को ग्रहण करना, नॉलेज का इनकल्केट करना। नेक्स्ट है हमारा क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यहाँ पर क्या है जो किसी का बिहेवियर बर्ताव होता है उसमें क्या है बदलाव लाना, बर्ताव में बदलाव लाना। थर्ड है हमारा क्या, पर्सनल एडजस्टमेंट, इसमें क्या है जो व्यक्तित्व, यहाँ पर व्यक्तित्व की बात की गई है, जो पर्सनल व्यक्तिगत समायोजन, तो उसकी बात की गई है एडजस्टमेंट की। और D1 क्या है, एक्विजिशन ऑफ स्किल मीन्स कौशल का अधिग्रहण, जो आप स्किल का क्या है एक्विजिशन करते हो, कौशल का अधिग्रहण। तो इनमें से लर्निंग का बेस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो हम जब हम लर्निंग पढ़ा रहे थे तो हमने सिंपल बताया था कि जो लर्नर होता है टीचर का काम क्या होता है, जो लर्नर का बिहेवियर होता है उसको मॉडिफाई करे, उसके बिहेवियर में चेंज लाए, तो यही क्या है अप्रोप्रिएट मीनिंग है किसका, लर्निंग का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, ये क्वेश्चन जून 1997 में आया था। तो यहाँ पर पूछा गया है टीचर के सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या होता है, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कराना, टू मेक स्टूडेंट टू देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स को उनका होमवर्क कराने में हेल्प करना, या टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना, या फिर टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयएबल। तो यहाँ पर
मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज टीचर के सामने क्या आता है, टीचिंग और लर्निंग का सामंजस्य बिठाना और उसको क्या है इंजॉयबल बनाना, मीन्स टीचर भी इंजॉय करे और जो लर्नर है वो भी इंजॉय करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज है, मोस्ट पूछा है तो ऑप्शन डी। बाकी तो ये भी है, डिसिप्लिन बनाना क्लास में, उनको होमवर्क देना, क्वेश्चन पेपर सेट करना, लेकिन जब मोस्ट की बात पूछा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू फोर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग। लर्निंग के बेस पर स्टूडेंट्स को चार टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्स मीनिंग एंड रीजनिंग टू द लर्निंग। यहाँ पर मीनिंग और रीजनिंग की बात पूछी गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्स मीनिंग एंड रीजनिंग टू द लर्निंग। तो ये दिसंबर 2020 में आया था, तो इसमें पूछा है मीनिंग और रीजनिंग किससे इंटर रिलेटेड है। पहला है इनोवेटिव लर्नर, तो इसको क्या है इनोवेटिव लर्नर बोलेंगे, या फिर एनालिटिकल लर्नर बोलेंगे, या कॉमन सेंस लर्नर बोलेंगे, या फिर डायनेमिक लर्नर बोलेंगे। तो इनोवेटिव जो इनोवेशन करता है, एनालिटिकल लर्नर कॉमन सेंस लर्नर जो कॉमन सेंस का उपयोग करता है, डायनेमिक लर्नर जो यहाँ एक चीज सीखी फिर डायनेमिक नेचर होता है जिसका, जो डायनेमिक लर्नर नई नई चीज़ों को सीखता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनालिटिकल लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अडॉप्टेड बाय अ टीचर इन साइक्लिक ऑर्डर। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज की बात की गई है, अकोमोडेशन, कन्वर्जिंग, एसिमिलेशन और डाइवर्जिंग। तो इनको क्या है हमें अरेंज करना है। तो नंबर वन पे क्या आएगा, एसिमिलेशन आएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मीनिंग क्या होता है, आप कोई भी नॉलेज या कोई भी आइडियाज इंफॉर्मेशन उसको एसिमिलेट कर रहे हो, एब्जॉर्व कर रहे हो आइडियाज या इंफॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज या एक्सपीरियंस वगैरह को एसिमिलेट कर रहे हो, तो वो क्या हो गया एसिमिलेशन। देन आएगा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इसमें क्या होता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, अंडरस्टैंडिंग। देन फिर क्या आता है, कन्वर्जिंग, चीज़ों को कन्वर्ज करते हो, कन्वर्जिंग मीन्स यहाँ पर चीज़ों को जुड़ाते हो, मीट करते हो आइडिया एक चीज़ों को, और डाइवर्जिंग में चीज़ों को अलग अलग करते हो। तो ये क्या है बेस्ट, मतलब ये क्या है साइक्लिक ऑर्डर है किसका, टीचर का, जो अडॉप्ट करता है किसमें, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज में। नंबर वन एसिमिलेशन, नंबर टू अकोमोडेशन, नंबर थ्री कन्वर्जिंग, नंबर फोर डाइवर्जिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले रखा जाएगा क्या, एसिमिलेशन थ्री को पहले रखना है, तो थ्री को पहले रखा तो आंसर हो जाएगा डी, थ्री। देन आएगा एकोमोडेशन वन, फिर आएगा हमारा क्या कन्वर्जिंग टू, देन डाइवर्जिंग फोर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी यूजुअली से डैट नो टू स्टूडेंट्स आर अलाइक। हम हमेशा कहते हैं कि दो स्टूडेंट एक जैसे नहीं हो सकते, दे मे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ, दोनों ये क्या अलग हो सकते हैं किन टर्म्स में, अपब्रिंगिंग एंड सोशल स्टेटस, मीन सोशल स्टेटस उनका क्या है अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है, एक अलग सोसाइटी से आता है एक अलग सोसाइटी, उनका एप्टीट्यूड अलग हो सकता है, उनका एटीट्यूड अलग हो सकता है। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में डिफरेंस क्या है, तो देखिए एप्टीट्यूड क्या होता है, नेचुरल एबिलिटी होती है, नेचुरल एबिलिटी, एबिलिटी टू डू समथिंग मीन्स यहाँ पर आप जो जन्म से ही चीज़ों को करते हो टू डू समथिंग, तो ये क्या हो जाता है आपका एप्टीट्यूड। और एटीट्यूड क्या हो जाता है, द वे यू थिंक, द वे डैट यू थिंक, फील और बिहेव, जो चीज आप सोचते हो फील करते हो और फिर आप बिहेव करते हो वो आपका क्या हो जाता है एटीट्यूड, और जो आपकी नेचुरल एबिलिटी होती है कुछ करने की वो हो जाता है आपका एटीट्यूड। तो ये भी चेंज हो सकते हैं दो स्टूडेंट्स के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोर्फोग्राफ्स इज द टर्म एसोसिएटेड विद, यहाँ मोर्फोग्राफ्स की का मीनिंग पूछा गया है, जो मोर्फोग्राफ टर्म है किससे एसोसिएट है, करेक्टिव स्पेलिंग, करेक्टिव रीडिंग, करेक्टिव लर्निंग, करेक्टिव बिहेवियर, तो इनमें से क्या है। तो जब हम मोर्फोग्राफ पढ़ते हैं तो इसका मीन्स ये क्या है, स्पेलिंग में यूज होता है मोर्फोग्राफ्स, इसका मीनिंग क्या होता है, लॉजिकल फ्रेगमेंट ऑफ अ वर्ड, जैसे कोई वर्ड है उसका सफिक्स या प्रीफिक्स होता है, तो टीचिंग में जो स्पेलिंग पढ़ते हैं हम उससे ही रिलेटेड होता है क्या, मोर्फोग्राफ्स। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द टेकिंग इन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज, या अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को आप टेक कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, कोग्निशन या रिसेप्शन। तो हमने जब एसिमिलेशन अभी इसी लेक्चर में बताया, एसिमिलेशन का मीन्स क्या होता है, जब आप इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ को क्या है, ग्रहण करते हो, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हो, उसी को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाइल कंपेयरिंग हियरिंग एंड लिसनिंग वी कैन से डेट, देखिए अगर हियरिंग की बात की जाए और लिसनिंग की, दोनों का मीन्स क्या होता है, सुनना होता है, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, हियरिंग क्या है, इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एंड लिसनिंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। हियरिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, और लिसनिंग क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। सेकेंड ऑप्शन है, हियरिंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड लिसनिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, बोथ आर मेनली फिजिकल प्रोसेस, क्या दोनों फिजिकल प्रोसेस हैं, एंड ऑप्शन डी है, बोथ आर बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हियरिंग की बात की जाए, अगर आप क्लास में बैठे हो तो आप बैठ के बस सुन रहे हो चीज़ों को, यहाँ पर क्लास में बैठे हो और सिर्फ सुन रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा, हियरिंग में। अब यहाँ पर लिसनिंग में क्या जाएगा, आप चीज़ों को सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो और उन पर मनन भी कर रहे हो, तो ये किस में आ जाएगा, लिसनिंग में। तो हियरिंग फिजिकल प्रोसेस हो जाती है हमारी, और लिसनिंग क्या हो जाती है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हियरिंग क्या है, द प्रोसेस फंक्शन और पावर ऑफ परसीविंग अ साउंड, सिर्फ साउंड का आना, मतलब एक प्रोसेस जिसके थ्रू साउंड आपके पास आ रही है, वो क्या है, हियरिंग है। लेकिन लिसनिंग क्या है, टू हियर समथिंग विद थॉटफुल अटेंशन, पूरी मनन के साथ, चिंतन के साथ आप चीज़ों को जब सुनते हो, समझते हो, उन पर ध्यान देते हो, तो वो लिसनिंग में आ जाता है। ये दो पिक्चर हैं, इनकी हेल्प से आप इजीली बता सकते हो कौन सा एग्जांपल हियरिंग का है और कौन सा एग्जांपल लिसनिंग का है। तो ये जो बच्चा है क्लास में क्या है, बैठा हुआ बोर हो रहा है लेकिन चीज़ों को बस सुन रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, हियरिंग में। और यहाँ पर क्या है, ये मैडम है और ये सर है, सर बोल रहे हैं और मैडम ध्यान से सुन रही हैं चीज़ों को, तो ये किस में आ जाएगा, लिसनिंग में। तो आई होप आपको हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेमोरी डेट रेफर्स टू आर मेमोरी ऑफ मीनिंगफुल फैक्ट्स रूल्स डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर मेमोरी की बात की गई है, वो मेमोरी जिसमें किसकी बात, फैक्ट्स रूल्स डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो कौन सी मेमोरी है, सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी एंड नन ऑफ द अबव। तो बात की जाए, ये एग्जाम्पल है किसका, सिमेंटिक मेमोरी का, ये सिमेंटिक मेमोरी में आता है। सिमेंटिक मेमोरी है क्या, जिसमें क्या है, आर जनरल वर्ल्ड नॉलेज डैट एनकम्पासिस मेमोरी फॉर कॉन्सेप्ट्स फैक्ट्स एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिम्बलिक यूनिट। आप कुछ भी चीज़ें समझ रहे हो, सीख रहे हो कॉन्सेप्ट या फैक्ट्स की, तो वो किस में आ जाएगा, सिमेंटिक मेमोरी में। एग्जाम्पल के लिए कोई लैंग्वेज सीख रहे हो या कोई सब्जेक्ट सीख रहे हो, मैथ्स वगैरह, तो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट समझोगे, फैक्ट्स पढ़ोगे, तो ये सब किस में आ जाएगा, सिमेंटिक मेमोरी में।
एग्जांपल के लिए जैसे योर नॉलेज ऑफ व्हाट अ कार इज, आपने कार देखी है, आप देखकर बता सकते हो कि ये कार है, ये बाइक है या कोई भी चीज, और इसका इंजन कैसे वर्क करता है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, सिमेंटिक मेमोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल्स अवेयरनेस ऑफ हिज और हर ऑन नॉलेज प्रोसेसेस एंड द वेज इन विच स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इनहांस इज टर्म्ड एज, ये भी मेमोरी का ही है एग्जांपल। तो कौन सी मेमोरी है, सिमेंटिक एपिसोडिक प्रोसीजरल या मेटा मेमोरी। तो यहाँ पर इंडिविजुअल के बारे में बात की गई है, इंडिविजुअल्स अवेयरनेस ऑफ हिज और ऑन मेमोरी प्रोसेस, जो अपनी मेमोरी के बारे में क्या करे, बताए कैसे प्रोसेस करती है उसकी मेमोरी, एंड द वेज इन विच स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इन्हांस, कैसे स्टोरेज होती है मेमोरी उसकी, कैसे रिट्रीव करती है, तो इन सब के बारे में, अपनी ही मेमोरी के बारे में जानना, तो कौन सी मेमोरी है वो आ जाती है मेटा मेमोरी। मेटा मेमोरी की बात की जाए तो ये क्या है, रेफर्स टू एनी जजमेंट दैट इज मेड अबाउट अ मेमोरी, कोई भी जजमेंट जो अपनी मेमोरी के बारे में बनाया जाए वो मेटा मेमोरी है। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, वो बोलता है कि वो चेहरा याद करने में तो क्या है अच्छा है या अच्छी है, लेकिन नाम उसको याद नहीं रह पाते, तो वो क्या है अपनी ही मेमोरी का एक स्टेटमेंट बना रहा है, अपनी मेमोरी के बारे में बता रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, मेटा मेमोरी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनिंग टू अ लेक्चर इज बेसिकली, एक लेक्चर को सुनना, यहाँ पर हियरिंग नहीं है, यहाँ लिसनिंग है। लिसनिंग टू अ लेक्चर इज बेसिकली इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, इवेल्युएटिव लिसनिंग, एम्फैटिक लिसनिंग या डायनेमिक लिसनिंग। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा इवेल्युएटिव लिसनिंग में। आप क्लासरूम में बैठे हो, लेक्चर सुन रहे हो, टीचर क्या है या प्रोफेसर साहब लेक्चर दे रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो ये किस में आ जाएगा, इवेल्युएटिव लिसनिंग में। यहाँ पर आप इवेल्युएशन भी करोगे, इवेल्युएशन चीज़ों को सुन के फिर उनको समझोगे, ध्यान दोगे, तो ये इवेल्युएटिव लिसनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेसेस इन ऑर्डर, यहाँ पर जो टीचिंग प्रोसेस है उनको ऑर्डर में लगाना है। आप कोई एक टीचर हो सपोज कीजिए, तो आप पहले चीज़ों को कैसे करोगे, तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, इवेल्युएशन, रीटीचिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। तो पहले आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, सबसे पहले टीचिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ाना चाहते हो, और जो चीज़ पढ़ाना चाहते हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर पहले आप क्या करोगे, फॉर्मुलेशन बनाओगे टीचिंग ऑब्जेक्टिव का, फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला क्या आ जाएगा, आप किसी भी चीज का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्टिव बनाओगे। देन इसके बाद क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव्स बन गया यहाँ पर, देन इसके बाद क्या करोगे, आप चीजों को रिलेट करोगे, जो सपोज कीजिए कोई टॉपिक है तो उस जो प्रेजेंट नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ आप रिलेट करोगे। तो यहाँ पर क्या है, रिलेट करना चीजों को, जो आप पढ़ाने वाले हो उस नॉलेज को और जो आपने पहले कोई नॉलेज गेन की है उनको रिलेट करना। देन थर्ड वन क्या हो जाएगा, फिर आप क्या है, मटेरियल को प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंटेशन के बाद क्या करोगे आप, फिर इवेल्युएशन करोगे चीज़ों का, पढ़ाने के बाद चीज़ों को इवेल्युएट भी तो करोगे। अगर किसी को चीज़ें समझ नहीं आई, वो फिर से पूछना चाह रहा है, तो आप क्या करोगे, रीटीचिंग करोगे। तो ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर है, तो लगाइए इनको। फोर्थ वन पहले आएगा, फोर्थ वन किस में है, इसी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पहले फोर्थ आएगा, फिर क्या आएगा, रिलेट करना चीज़ों को, रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, फिर फर्स्ट आएगा, देन प्रेजेंट करोगे चीज़ों को, फिफ्थ आएगा, देन इवेलुएट करोगे, एंड देन फाइनली रीटीचिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस,
यहाँ पर साइको एनालिसिस के जनक पूछे गए हैं कि फादर कौन है। एरिक एच एरिक्सन, जीन पिगेट, जेरोम एस ब्रूनर या सिगमंड फ्रूइड। तो इस ये फैक्चुअल है, इसमें क्या है, सिगमंड फ्रूइड इसका करेक्ट आंसर होगा। साइको एनालिसिस की बात की जाए, ये कोई थ्योरीज या टेक्निक्स का एक सेट है जिसमें क्या है, आप जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उन थ्योरीज और टेक्निक्स की हेल्प से क्या है, उन मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करोगे, यही क्या है साइको एनालिसिस है। और इस डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश किया था 1890s के आसपास किसने, सिगमंड फ्रूइड ने, और उन्होंने इस पर काम किया था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज। कॉग्निटिव की बात की जाए तो जब हमने एम पढ़ाए थे उसमें ब्लूम्स पढ़ाए थे, ब्लूम टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर पढ़ाए थे, तो कॉग्निटिव में हमने किसकी बात की थी, मेंटल एबिलिटी की बात की थी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात की थी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है, एनएल गेज, शिव कुमार मित्रा, बी एफ स्किनर या मैकडोनाल्ड। तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैक्चुअल है ये भी, ऑप्शन ए एनएल गेज। लेकिन जो इसके ऑप्शन आए जीन पिगेट, तो वो भी सही हो जाएगा, जीन पिगेट ने भी कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बताया था, तो जीन पिगेट का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ स्टूडेंट हेल्प्स अ टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर इन क्लासरूम हीज। कोई एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट हेल्प कर रहा है टीचर की किस में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में किसी लेक्चर के दौरान, तो उसको क्या बोला जाएगा स्टूडेंट को, एम्फेटिक लिसनर, इवेल्युएटिव लिसनर या रियलिस्टिक लिसनर या नन ऑफ द अबव। तो हमने इवेल्युएशन के बारे में बताया था, तो यहाँ पर क्या है, इवेल्युएटिव लिसनर हो जाएगा, वो क्या है, चीज़ों को इवेल्युएट कर रहा है, समझ रहा है और हेल्प कर रहा है टीचर की, समझ के फिर बता रहा है चीज़ों को, तो वो इवेल्युएटिव लिसनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू लोकेट, इवेल्युएट एंड इफेक्टिवली यूज इंफॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेट नोन एज। कोई एबिलिटी, लोकेट, इवेल्युएट और इफेक्टिवली यूज इंफॉर्मेशन की जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, हियरिंग या सेलेक्टिव अटेंशन। तो हियरिंग तो होगा नहीं, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो सोचना है, तो यहाँ पर क्या, अटेंशन दी जा रही है किसी चीज़ को, सेलेक्टिव अटेंशन दी जा रही है किसी चीज़ों के बारे में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक अबाउट वंस ओन थॉट प्रोसेसेस, सेल्फ मॉनिटर एंड मॉडिफाई वंस लर्निंग स्ट्रेटजीज एज नेसेसरी टर्म्ड एज। तो हमने आपको बताया था किसके बारे में, मेटा कॉग्निशन, मेटा मेमोरी के बारे में, तो यहाँ पर क्या है, जो अपनी ही मेमोरी के बारे में, थॉट प्रोसेस के बारे में मॉनिटर करे, तो वो किस में आ जाएगा, मेटा कॉग्निशन। हमने एग्जांपल भी दिया था कि कोई चेहरा पढ़ ले, समझ याद रख लेता है लेकिन नाम याद नहीं रह पाते, उसको अपनी ही मेमोरी के बारे में वो क्या है, बता रहा है, तो ये क्या है, मेटा कॉग्निशन है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चीयर्स स्टैंड फॉर, सी एच ई ई आर स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, चिल्ड्रन हेल्थ एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, चिल्ड्रन फॉर इंजीनियर्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो चीयर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। इसका मतलब है कि रेडियो की हेल्प से जो छोटे बच्चे होते हैं 3 to 6 years old जो आंगनबाड़ी में होते हैं, जो सोशली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उनके लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था, चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल टीवी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग,
पहला एजुकेशनल टीवी भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है 1961, 1959, 1968 या 1961। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 1959। तो पहला एजुकेशनल टीवी कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? 15 सितंबर 1959 को। ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया था। ये क्या था? 2 घंटे का प्रोग्राम था। एक हफ्ते में क्या है, 7 दिन में 2 घंटे का प्रोग्राम चलाया जाता था। और इसको अथॉरिटी कौन देता था? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो पहले इसको अथॉरिटी दिया। शॉर्ट में क्या है, इसको AIR भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। आपने देखा होगा प्राइमरी प्री स्कूल वाले बच्चे जो होते हैं, तो वो क्या है, किंडरगार्टन स्कूल में जाते हैं। वहाँ पर उनको क्या है, एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, प्ले कराया जाता है, उसकी हेल्प से उन्हें सिखाने की कोशिश की जाती है। तो इसको पहली बार किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था? टीपिनन, स्पेंसर, फ्रोबेल या मोंटेसरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। इन्होंने क्या है, किंडरगार्टन स्कूल के बारे में बताया था और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन शॉर्ट बोले तो NCERT, NCERT का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1961, 1962, 63 या 64। तो NCERT जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1961 में हुआ था। NCERT की बात की जाए तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बोलते हैं हिंदी में बोले तो स्वायत्त संस्था, स्वायत्त संस्था बोलते हैं। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। और इसको कब बनाया गया, 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, श्री अरविंदो मार्ग जो है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली इज द मेन एजेंसी ऑफ। देखिए यहाँ पर आप कोई परिवार में है, फैमिली में है, तो वहाँ से कौन सी शिक्षा मिलती है आपको? इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या नन ऑफ द अबव। फैमिली से आपको क्या मिलेगी, इनफॉर्मल एजुकेशन मिलेगी। जो बेसिक एजुकेशन होती है वो आपको घर से ही मिलती है। प्राइमरी एजुकेशन बोल सकते हो, इनफॉर्मल, या आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर आप जो भी आपके संस्कार हैं, ये सब डिपेंड करते हैं फैमिली पर। तो यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, इसलिए ये किस में आता है, इनफॉर्मल एजुकेशन में। फॉर्मल एजुकेशन कौन सा होता है, जो आप स्कूल में जिसमें रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन वगैरह होते हैं, तो वो आ जाता है फॉर्मल एजुकेशन के अंडर में। तो ये हमने डिटेल में कराया था, जो UGC नेट पेपर 1 की सीरीज थी वो आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये बेसिक एजुकेशन का आइडिया, इसको क्या है, वर्धा एजुकेशन भी बोलते हैं, वर्धा एजुकेशन। जब हमने आपको क्या है अप्रोचेस कराई थी, डिफरेंट अप्रोचेस, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, तो वहाँ पर हमने जो एक चार्ट बनाया था, वहाँ पर वर्धा एजुकेशन के बारे में बताया था कि जो बेसिक एजुकेशन का आइडिया दिया वो किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय। कोई भी इंसान है वो जन्म तो फ्री होके लेता है, लेकिन बाद में आके वो क्या है, चारों तरफ से चेन से क्या है, घिरा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट किसका था? देखिए आपको सब जगह फ्रीडम तो है, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन आपको जकड़े हुए हैं इनडायरेक्टली वे में। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को दिया था। ये किसने दी है, अब्राहम मैस्लो, जीन जैक रूसो, जॉन डेवे, WH किलपैट्रिक। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये रूसो का स्टेटमेंट है, ये एक फिलोसोफर हैं।
और इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया है कि इंसान एक जन्म तो फ्री लेता है। बचपन में आपने देखा होगा, बच्चा जब छोटा होता है तो वो फ्री रहता है सब बंधन से, मोह से, तो वो अपने में मस्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, फिर उसको क्या है, चारों तरफ से क्या है, उसकी जो फ्रीडम है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है। उस पर क्या है, जिम्मेदारियां, ये सब क्या है, एक चैन की तरह काम करती हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा, रूसो द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रायोरिटी टू गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज, गर्ल्स एजुकेशन में प्रायोरिटी क्यों देनी चाहिए, क्योंकि द गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट इन कंपैरिजन देन द बॉयज, या गर्ल्स आर लेसर इन नंबर देन बॉयज, कि लड़कियों की संख्या क्या है, कम है। गर्ल्स वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ बॉयज इन द पास्ट, जो गर्ल लड़कियां हैं उनको क्या है, उनका शोषण किया गया था अगर पास्ट में देखा जाए एज कंपेयर टू बॉयज, या फिर गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा जाए, देखिए यहाँ पर आंसर इसका 3 भी हो सकता है 4 भी, लेकिन जब मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात की जाए तो आपको वेग स्टेटमेंट कभी करेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप वेग स्टेटमेंट को करेक्ट करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहचानने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर सुप्रीमेसी की बात हो रही है, लड़कियाँ क्या है मोर इंटेलिजेंट है कंपेरिजन देन द बॉयज, ये क्या है, एक वेग स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है कि गर्ल्स इंटेलिजेंट हो, हाँ सम हो सकती हैं लेकिन बॉयज भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल हट जाता है। सेकेंड, द गर्ल्स आर लेसर इन नंबर देन बॉयज, ऑफकोर्स लड़कियों की संख्या कम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी इस बेस पर थोड़ी देना चाहिए कि लड़कियाँ कम हैं लड़के ज़्यादा हैं, तो ये भी एक वेग स्टेटमेंट टाइप है, तो ये भी हट जाता है, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लग रहा है। थर्ड है, द गर्ल्स वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ बॉयज इन द पास्ट, ऑफकोर्स डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, गर्ल्स को पहले घर पर चार दीवारियों तक रखा जाता था, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये हो नहीं जाता। तो अगर समाज में बदलाव लाना है, समाज में बदलाव लाना है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना है, पॉजिटिव वे में समाज में बदलाव लाना है, तो क्या है, गर्ल्स को एजुकेशन देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज। तो समाज में बदलाव के लिए गर्ल्स को एजुकेशन देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड स्टैंड फॉर, यहाँ पर साइड की फुल फॉर्म पूछा गया है, साइड का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, या सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, या फिर साउथ इंडियन ट्रेड स्टेट, या नन ऑफ द अबव। तो साइड की बात की जाए, इसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, या इन शॉर्ट बोले तो साइट। तो करेक्ट आंसर तो इसका ऑप्शन बी हो जाता है। ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है, जो किसके द्वारा चलाया गया था, नासा और इसरो के द्वारा। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है, यूएसए की, और इसरो किसकी है, इंडिया की। तो ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, 1975 में। और ये प्रोजेक्ट किस लिए चलाया गया था, जो टेलीविज़न प्रोग्राम है जिससे इंफॉर्मेशन दी जा सके रूरल एरियाज़ में, जो ग्रामीण एरिया हैं उसके लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो पिछड़े हुए हैं, फाइनेंशियली बैकवर्ड या सोशली बैकवर्ड लोग हैं, इलिटरेट हैं, उनको एक तरह से एजुकेशन देना। तो इसलिए ये साइट प्रोग्राम चलाया गया था, जिससे आप सैटेलाइट की हेल्प से रूरल एरियाज में एजुकेशन दे सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, यहाँ पर नेशनल लिटरेसी मिशन की बात की गई है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1996, 1988, 1999 या 2000 में। तो नेशनल लिटरेसी मिशन ये स्टार्ट किया गया था 1988 में। ये क्या है, एक नेशन वाइड प्रोग्राम है, जो कि स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कब, 1988 में।
इसको अप्रूवल किसने दी थी? कैबिनेट ने। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस विंग है। किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। पहले नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन अब इसका नेम फिर से चेंज हो गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है? ये डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिख सकते हो आप, क्योंकि इसका नया नेम एचआरडी, एमएचआरडी का नाम अब हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल लिटरेसी मिशन ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।